बैठे हैं अब तो मिलवा ही दो, एक बार हम अपनी विपता सुना दें फिर हमारे भाग लो, बड़ा उपकार होगा। अच्छा अच्छा, तुम कैसे है कमला? जमींदार साहब से मिलने लगान के लिए कहना है। चली आई लगान माफ कराने, कुछ मेरे लिए भेंट वेट लाई हो? मेरे पास धरा ही क्या है मैनेजर बाबू, जो किसी को भेंट दूं। तो ऐसे लगान माफ नहीं होगा। हुजूर क्या है? हुजूर एक बूढ़ा किसान आया है, बहुत गरीब है बेचारा, आपको अपनी बिपता सुनाना चाहता है। मेरे पास किसी की बिपता सुनने का वक्त नहीं। सुनो तो, उस औरत को जानते हो? कौन? वो सफेद साड़ी पहने? हाँ, कमला है, इसी गांव की एक विधवा, लगान माफ कराने आई है। ये विधवा कब हुई? जी पार साल अपनी माँ के साथ काशी गई थी, वही दिया हुआ वही विधवा हो गई। ओ, यहाँ किसके पास रहती है? अब तो अकेली ही रहती है, एक माँ थी वो भी चल बसी। अच्छा भेज दो उसे। हुजूर बेकार आपका सर खाएगी, मैंने कह दिया सरकार नहीं मिल सकते। मैं जैसे कहा करो। बहुत अच्छा हुजूर। अरे कमला, तुम्हें जमींदार साहब बुलाते हैं, सारा हाल अच्छी तरह सुना देना, शायद लगान माफ कर दें, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। बड़ी कृपा की आपने। मुझे पहचानती हो कमला? ओ, आप? तो तुम मुझे भूली नहीं, बैठो। जी नहीं, मैं नहीं जानती थी कि नए जमींदार आप। अरे अरे, ऐसी क्या जल्दी है, इतने दिनों के बाद मिली हो, बैठो ना, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। कहिए, आप कौन सी नई बात कहना चाहते हैं? बहुत नाराज मालूम होती हो, एक दिन वो भी था जब घंटों बैठकर मुझसे प्यार की बातें किया करती थी। हाँ, तो मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे खेल रहे हैं, ब्याह का वचन देकर मुझे इस तरह धोखा देंगे। तुम गलत समझी कमला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, दरअसल शादी ब्याह से मुझे दिलचस्पी ही नहीं। और तुम शिकायत क्यों करती हो, मेरे लिए तुम भी कोई कुंवारी तो बैठी नहीं रही, कि तुम्हारे भाग के तुम इतनी जल्दी विधवा हो गई, मुझे सचमुच बड़ा अफसोस है। सच? हाँ कमला, तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? काशी में। काशी में? किसके साथ? महेश कुमार के साथ। मेरे साथ? हाँ, आपने ब्याह नहीं किया, लेकिन मैं तो आप ही को अपना पति समझती हूँ। अच्छा, लेकिन फिर तुम विधवा क्यों बनी हो? क्या करती, मेरे लिए कोई चारा ही न था, कुंवारी बन के रहती थी, गांव वाले मुझसे ब्याह करने को कहते। ओ कमला, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था तुम्हें मुझसे इतना प्रेम है। ये हम कभी ना समझ सकेंगे। रो मत कमला, मैं तुम्हारी हर तरह मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ब्याह के लिए न कहो।
मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कहती। आप मुझे पत्नी का स्थान नहीं देना चाहते, न दीजिए, लेकिन मैं तो आपको अपना स्वामी ही मानूंगी। तुम बिल्कुल नहीं बदली कमला, अभी वैसी ही भोली और नासमझ हो। अच्छा तो फिर मिलोगी ना? पगली। हजूर आपका तार आया। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पोस्ट ऑफिस जाकर तार भेजना है। हाँ उस औरत का लगान माफ कर दो। जी la 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 डोले कस झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कस झूलू मेरा जिया डोले। डोले कस झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कस झूलू मेरा जिया डोले रे, मेरा जिया डोले रे। सावन कीर्त आई है बिनी बिनी प्रेम बदरला, चाहे है जिनी जिनी छोटे से मन में मेरे बारों के मन में मेरे। रीत की पोयलिया बोले रे मेरा जाने क्यों आज दिया डोले रे। रीत की पोयलिया बोले रे मेरा जाने क्यों आज दिया डोले रे। डोले कैसे झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कैसे झूलू मेरा जिया डोले। बड़े हकीले बड़े हकीले बड़े हकीले मेरे नैना, बड़े हकीले मेरे मन की मैना। बड़े हकीले मेरे नैना, बड़े हकीले मेरे मन की मैना। इन दोनों को कौन बनाए बोलो कौन बनाए, मन का भेद मेरा खोले रे देखो देखो, मन का भेद मेरा खोले रे से मेरा जाने क्यों आज दिया डोले। डोले कैसे झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कैसे झूलू मेरा जिया डोले, मेरा जिया मेरा जिया मेरा जिया डोले। खूब खूब बहुत अच्छा गाना है मेरा जिया डोले रे। आप क्या चाहते हैं? जी कुछ नहीं, मुझे फोटोग्राफी से बहुत शौक है, क्या मैं इस बगीचे की तस्वीर ले सकता हूँ? तस्वीर? जी हाँ। लेकिन आप जा क्यों रही हैं, मेरी वजह से? जी नहीं। तो ठहरिए ना, मैं झूले की तस्वीर लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ ले लीजिए। लेकिन खाली झूले की तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, अगर आप बुरा ना समझे तो यहाँ बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊँ? जी हाँ, आप झूले पर बहुत भली मालूम हो रही थी। जी नहीं मुझे। देखिए आप शर्मा रही हैं, इसमें हर्जी क्या है? क्या कीजिएगा मेरी तस्वीर लेकर? आप नहीं जानती, मैं आपकी तस्वीर किसी पत्रिका में भेजूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा। एक ही मिनट की तो बात है, बैठ जाइए ना। कैसे बैठूं? जैसे अभी बैठी थी, बैठिए। वो हाथ ऊपर को, चेहरा जरा इस तरफ, आंखें उधर को, माफ कीजिए। ठीक है, अब जरा मुस्कुराइए। ठीक तो था, अब फजूल शर्मा गई। एक सेकंड, एक सेकंड।
अब जरा गाइए मेरा जिया। मेरा जिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी आई है? बहुत अच्छी, इतनी अच्छी तस्वीर तो मैंने कभी ली ही नहीं। गीता, आप यहाँ है ना कुछ दिन? आज तो मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ से लौटकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। और गीता। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरा जिया डोले रे। मौसी, अरे कहाँ थी? झूला झूल रही थी, दिन रात झूला, न खाने की सुध न पीने की सुध। तेरी माँ भी तेरी तरह थी, सब कुल माँ के भरे और मौसी के नहीं। तू हट जा, कमला आइए। कमला दीदी आ गई, मैं एक मिनट में तैयार होती हूँ। सुन तो, मैं आज महिला मंदिर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा जी अच्छा नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी सिर दुख रहा है। मैं अभी दवा लाती हूँ। रहने दे गीता, ऐसे ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, कहीं बुखार आ गया तो? मैं अभी लाई। बाबूजी, बाबूजी। क्या है गीता? कमला दीदी का सर दुख रहा है, जरा दवा दे दो। अच्छा, मैं अभी आया। दवाइयों का बक्स कहाँ गया? अरे नंदू, तुझे मालूम है? हाँ मालूम तो है। कहाँ है? मैंने कहा नहीं बताना। अरे सीधी तरह बता। मैं कहती हूँ तुम क्यों पढ़े मेरे लड़के के पीछे? जब देखो तो पीटते रहती हो। ले देखिए, एक ही तो बच्चा है घर में। ये एक बच्चा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? और नहीं तो मेरा कसूर है। अच्छा अच्छा, मेरा कसूर है। दवाइयों का बक्स कहाँ रखा है? मुझे नहीं मालूम। अरे सुनो तो शांति। शांति भैया, मैं भूल हो गए, कहाँ रखा है बता दो बड़ी रानी। ए सठी, आ गए हो क्या? बच्चे सुने क्या कहेंगे? तो बता दो, नहीं तो फिर चला के कहता। अच्छा कहकर तो देखो। क्या हुआ मौसी? मेरी दवाइयों का बक्स नहीं देती। दे दो मौसी, कहाँ रखा है? संदूक में ना? हाँ, लेकिन अभी जाके कुएं में फेंक दी। नहीं नहीं मौसी, ऐसा ना करो, आग लगे इसी डॉक्टरी को। आधी तनख्वाह दवाइयों में जाती, घर या अस्पताल। चल छोड़ मुझे। अरे कमला, खड़ी क्यों है? बैठना। नहीं चाची, मैं अब जाऊंगी, दवा आ जाए। वो तेरे लिए दवा चाहिए? हाँ। अरे मेरी चाबी। पोस्टमास्टर साहब। कोई मुझे पुकार रहा है, तू ही दवा दे दे। कहिए। आप ही पोस्टमास्टर हैं? हाँ हाँ, क्यों? जी कुछ नहीं, यूं ही आपकी मुझ में तिनका है। ओ शुक्रिया। ये बगीचा और उस तरफ का मकान आप ही का है? हाँ हाँ, मेरा ही है, यानी सरकारी है। ओ मैं भी आया। क्या है गीता? कमला दीदी को कौन सी दवा दी जाए? दवाई नंबर 8, 4 पुड़िया। आपके यहाँ कोई बीमार है? जी नहीं। लेकिन अभी आप किसी को दवाई दे रहे थे ना? हाँ, वो तो कमला के लिए थे। कमला? आपकी कोई? जी नहीं, वो तो गीता की एक सहेली है। गीता कौन, आपकी लड़की है? जी मेरी नहीं, असल में मेरी उनकी बहन की लड़की है। ओहो, तो यहाँ घूमने आई है? जी नहीं, हमारे साथ ही रहती है वो। अच्छा, तो वो यहीं रहती है। माफ कीजिए, आपको पहचाना नहीं, बातों बातों में पूछना ही भूल गए। जी मुझे महेश कुमार कहते हैं। ओह, तो आप ही के पिताजी ने ये जरनाघाट गांव खरीदा है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, मुझे जरा जल्दी है, ये तार भेज दीजिए। तो आज आप शहर जाएंगे? जी हाँ, वहाँ से लौटकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। जरूर जरूर, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी। मुझे भी। 11 न लाइए।
कैसा तार है? बाबूजी की तबीयत खराब है, मुझे अभी जाना है। अरे भाई इतने परेशान क्यों होते हो, वो अच्छे हो जाएंगे। और तुम्हारे महेश भैया उनके पास हैं? अरे उनका क्या भरोसा, सतीश तुम जरा सुपरिंटेंडेंट साहब को खबर कर दो, मैं इतने तैयार होता हूँ। देखिए अभी आप अंदर न जाइए। क्यों, क्या बात? वकील साहब आए हुए हैं। मनु छोटे बाबू कब आए? अभी। महेश भैया कहाँ? अपने कमरे में। भैया ओ तुम आ गए? बाबूजी की तबीयत कैसी? तुम खुद जाके क्यों नहीं देख लेते? गया तो था लेकिन वकील साहब बैठे हुए। वकील साहब वो क्यों आए हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं तभी आ रहा हूँ। मैं सब समझता हूँ, वसीयतनामा लिखा जा रहा है और उसमें आपको हकदार बनाया जाएगा। लेकिन सुनो तो। देखो रमेश तुम मेरे कुछ सगे भाई नहीं हो, पिताजी ने सिर्फ तुम्हें पाला है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी जायदाद के हकदार बन जाओ। मैं तुम्हें एक पाई भी न मिलने दूंगा। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है, हालत कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता, दिल बहुत कमजोर है। वकील साहब क्या बात है महेश? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बाबूजी ने आपको क्यों बुलाया था? नमस्ते वकील साहब। नमस्ते रमेश, तुम आ गए? जाओ बाबूजी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। रमेश तुम आ गए बेटा। कैसी तबीयत है बाबूजी? बस तुम्हें देखने के लिए जी रहा था। नहीं नहीं बाबूजी ऐसा ना कहिए, आप अच्छे हो जाएंगे। अब कोई उम्मीद नहीं बेटा। रमेश शायद तुम्हें याद हो, तुम्हारे पिता जगदीश बाबू मरते वक्त तुमको मुझे सौंप गए थे। उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह। मैंने तो आप ही को अपना पिता समझा है बाबूजी। मैं जानता हूँ और इसीलिए मैंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दिया है। ये आपने क्या किया बाबूजी? ये तो महेश भैया के साथ अन्याय होगा। नहीं रमेश कोई अन्याय नहीं, तुम मेरे लड़के से भी बढ़कर हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ महेश कितना नालायक और बदमाश है। नहीं बाबूजी। ये वकील साहब किस लिए बुलाए गए थे? तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं। रमेश थोड़ा पानी पिलाओ। जी तभी आपने उनको ही मना कर दिया कि मुझे कुछ न बताएं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? आपने उनसे वसीयतनामा लिखवाया है। हाँ लिखवाया तो है, मगर तुम्हें इन बातों से मतलब? मतलब तो नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि वसीयतनामे में क्या लिखा गया है। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैं उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी जानना चाहता हूँ। खामोश बदतमीज। बाबूजी अब शांत रहेंगे। महेश भैया तुम्हें भी अभी वक्त मिला ये सब पूछने का? देखते नहीं बाबूजी की तबीयत। तुम चुप रहो रमेश, मैं इसी हर बात का फैसला करा के छोड़ूंगा। फैसला करा कर? फैसला हो चुका, मैंने रमेश के नाम अपनी आधी जायदाद लिख दी है। आधी जायदाद? हाँ मैंने गलती की, पूरी जायदाद रमेश को देनी चाहिए थी। ये होता कौन है जायदाद का लेने वाला? आपको कोई हक नहीं कि मेरी जायदाद से कुछ भी दे। इनकी जायदाद है, मेरे मरने से पहले इनकी जायदाद हो गई, शर्म नहीं आती है तुझे? शर्म आपको आनी चाहिए बाप होकर। क्या लगता है पाजी? महेश भैया इस वक्त चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। निकल जा यहाँ से बदमाश, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। महेश मनु मनु डॉक्टर को बुला।
क्या जरूरत है? क्या मतलब? यही कि बाबूजी की खुशामद करके जो कुछ तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल तो गया। इसमें खुशामद की क्या बात है? जायदाद उनकी थी और हम दोनों को भाई भाई समझते थे। भाई? ऐसे तो जायदाद देने के लिए सब भाई बन जाते हैं। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं समझता। जी हाँ, और मेरे लिए भी आपका भाई कहला जाना कोई इज्जत की बात नहीं। क्या तुम्हारी ये मजाक? अगर इस बूढ़े की बेवकूफी से तुमको जायदाद न मिलती तो देखता कि तुम मेरा किस तरह अपमान करते। ये मेरे पिता नहीं दुश्मन थे। चुप रहो। जिस जायदाद के पीछे तुमने बाबूजी से झगड़ा करके उनकी जान ली और अब तक उन्हें बुरा भला कह रहे हो, उस जायदाद की मैं फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहता। क्या? ये घर और जायदाद तुम्हें मुबारक हो। मैं जाता हूँ, लेकिन ये ना भूलना कि बाबूजी को तुमने उम्र भर चैन नहीं लेने दिया। अब उनकी आत्मा को शांति पहुंचे इस बात की कोशिश करना। बड़ा चला उपदेश देने। सिगरेट नहीं पीते। ओह ये बात है, जनाब की नजरें झूले में उलझी हुई है। क्यों ना हो, माशाल्लाह नौजवान आदमी जो ठहरे। मैं देख सकता हूँ इनको? वाह बेपना है जी। आदाई घाट का झूला, अच्छी तस्वीर है। हाँ साहब, टिकट निकालिए जी। टिकट जी, क्या कीजिएगा टिकट देख कर? बेकार मजाक न कीजिए, निकालिए टिकट। कहाँ से निकालो सर, टिकट तो है नहीं। तो क्या बगैर टिकट गाड़ी में बैठ गए? आप कहीं तो उतर जाओ साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है। कहाँ जाना है आपको? यही तो नहीं मालूम। बड़े अजीब आदमी है आप। निकालिए रुपये। ये लीजिए अब बिगड़ते क्यों। कहाँ का टिकट बनाओ? जहाँ का आपका जी चाहे। खूब आदमी है आप। अजी साहब, इन रुपये में तो आप जुमर गांव, सुमेरपुर, झरना घाट, मीरगंज कहीं भी जा सकते हैं। क्या कहा आपने? झरना घाट भी जा सकते हैं? जी हाँ। अच्छा तो मुझे झरना घाट का टिकट दे दीजिए। मैंने कहा जनाब, झूले वाली तस्वीर आपको इतनी पसंद आ गई, क्यों न हो, उम्र ही ऐसी है। झरना घाट, झरना घाट। ओ मिस्टर, उतरिए, आपका झरना घाट आ गया। उतरिए उतरिए। एंजो, देखा बाबूजी, आंखों के अंधे ऐसे होते हैं, देखकर तो चलना नहीं जानते। मैंने कहा मिस्टर सतीश, सतीश साहब, जनाब सतीश साहब। सतीश बाबू, अपना बक्स तो लेते जाइए। ओ आप मुझे सतीश बाबू क्यों कर जी, लिखा हुआ है ना आपके बक्स में। ओ शुक्रिया। आदर्श आदर्श।
आप यहाँ किसके यहाँ आए? किसी के यहाँ नहीं, सिर्फ गांव देखने उतर पड़ा। लेकिन रात में आप क्या देखेंगे? नहीं, आज तो स्टेशन ही पर रहूंगा, फिर कल सुबह गांव देख लूंगा। ओह, तो मेरे साथ चलिए ना। कहाँ? आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा नाच होने वाला है, आपको तो रात काटनी है, वहीं काट लेना। किसका नाच? मेरा, नरगिस का, और गांव के लोग भी होंगे। नरगिस का जी, एक लड़की है, उससे मेरी शादी होने वाली है। चलिए। सतीश बाबू। सतीश बाबू जी? हाँ, आप ही का नाम है ना? वो साहब इसी नाम से तो पुकार रहे थे। ओ, कहिए। जरा जोर से गाइए ना, रास्ता अच्छी तरह से कट जाएगा। जाने किधर आज मेरी नाव चली गए, चली गए चली गए मेरी नाव चली गए। न जाने किधर आज मेरी नाव चली गए, चली गए चली गए मेरी नाव चली गए। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा पिया के गांव चली गे, पिया के गांव चली गे, चली गे चली गे मेरी नाव चली गे। मन के मित मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में लाओ मेरी चलूरी। मन के मित मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में लाओ मेरी चलूरी। बिल्कुल अकेली अकेली चली रे, चलू रे चलू रे मेरी नाव चलू रे। किधर आज मेरी नाव चली गए, चली गए चली गए मेरी नाव चली गए। काटी नीचे लहरों से नाव मेरी डोले, मन में प्रीत मेरी पीऊ पीऊ बोले। ऊंची नीची लहरों के नाव मेरी डोले, मन में प्रीत मेरी पीऊ पीऊ बोले। मेरे मन मुझको बता, मेरी मंजिल का पता, मेरे मन मुझको बता, मेरी मंजिल का पता। बोल मेरे साजन की कौन गली रे, बोल मेरे साजन की कौन गली रे। न जाने किधर आज मेरी नाव चली गए, चली गए चली गए मेरी नाव चली गए। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, मन ने कहा पिया के गांव चली रे, पिया के गांव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। Oh,
बाबूजी। सलाम नरगिस। कैसे हैं रहमान? ठीक है, जरा बुखार आ गया। हाँ। अरे सुनो तो, इनको पहचानती हो? अरे ये तो गीता है। गीता? हाँ हाँ, इसी गांव की एक लड़की है। ओ, अरे सुनो, रहमान भैया सो रहे, उन्हें जगाना नहीं। नहीं नहीं। मैंने तो तुम्हें जगा दिया। नहीं नहीं, इतना दिन चढ़ाया, सारी रात पड़ी होगी बांटने को। पड़ी रहने दो, ऐसी आदत मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। मेरी कसम नरगी, सरकारी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। चूल्हे में जाए तुम्हारा सरकारी काम। तुम्हें मेरी कसम, जाने दो, देखो देर हो रही है। अरे ये सुबह सुबह हाथापाई क्या शुरू कर दी? नरगिस, मैंने तुमसे कहा ना था मत जगाना। नहीं बाबूजी, ये खुद जाग गए और अब कहते हैं काम पर जाऊंगा। इन्हें समझाओ ना जरा। सुन रहे हो बाबूजी इसकी बातें? कहती है कि मैं काम पर ना जाऊं। ठीक तो कहती है, तुम्हें बुखार है, चोट लगी हुई है, ऐसी हालत में तो तुम्हें हिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर चिट्ठियां कौन बांटेगा? तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है, डाक बाबू खुद इंतजाम कर लेंगे, है ना बाबूजी? हाँ, लेकिन उन्हें मालूम तो होना चाहिए। रहमान भैया, मैं जाके पोस्टमास्टर साहब से कह आता हूँ। अच्छा चलो, अब लेकर आओ सीधी तरह, चलो। अच्छा अच्छा, मैं हारा तू जीती, ले मेरे कान पकड़ ले। चलो हटो, तेरी इन्हीं बातों पे तो जान जाती है। नन नन आज मेरे नाम चले रे, न जान किधर, नन 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 चली रे मेरी नाव चली रे, चली रे नन 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 नन। नंदू, ओ नंदू, न जाने किधर आज मेरे नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। ना 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 ना। चली रे मेरी नाव चली रे। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए, ये गाना आपने कहाँ सुना? जी, कल रात एक भिखारी इधर से गाता हुआ जा रहा था। भिखारी? जी हाँ। क्यों, आप हंसे क्यों? यूं ही, आपको गाना पसंद है? जी हाँ बहुत। शुक्रिया। जी क्या मतलब? बात यह है कि वो भिखारी मैं ही। ओ माफ कीजिए, मैं जानती नहीं थी। कोई बात नहीं, आप ठीक ही समझे। नहीं नहीं, देखिए आप बुरा मान गए, मेरा ये मतलब न था। आप इस गांव में नए आए हैं? जी हाँ, कल रात। किसी काम से आए हैं? जी नहीं, यूं ही, सच पूछे तो यहाँ की तस्वीर देखकर सोचा कि गांव देखता चले। अच्छा, कैसी तस्वीर थी? जी थी एक। माफ कीजिए। क्या वो? कुछ नहीं। तो आप ही हैं? कौन? वही। वही कौन? आपकी तस्वीर बाहर पत्रिका में छपी है ना? मेरी तस्वीर छपी है? जी हाँ बिल्कुल, आपसे मिलती है, वही आंखें, वही सूरत, और झूले पर बैठी हैं यूं मुस्कुरा रही हैं। ओ हाँ हाँ, वो साहब ऐसा कह तो रहे थे, तो मेरी तस्वीर पत्रिका में छपी है। जी हाँ, कौन थे वो साहब? जैसे एक बड़े फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मेरी तस्वीर ली थी झूले पर। ओ कैसी लगती हूँ मैं उसमें? बहुत अच्छी। सच? तो क्या मेरी तस्वीर देखकर आप इस गांव में? जी जी नहीं, बात यह है कि आपकी जो तस्वीर, यानी उसके आसपास जो सीनरी है ना, वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैं देखने चला आया। ओह, तो बहुत अच्छी तस्वीर आई है। वो साहब बहुत बड़े फोटोग्राफर थे ना? अच्छा जी हाँ। लेकिन उन्होंने आपको तस्वीर नहीं भेजी? जी नहीं, लेकिन भेजेंगे जरूर। जब अब तक नहीं भेजी तो अब तक भेजेंगे? होंगे कोई फालतू फोटोग्राफर, ऐसे बहुत घूमते फिरते हैं। जी नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, बड़े सज्जन। अपने जानते हैं? कहाँ रहते शहर में? ये तो नहीं मालूम। उनका नाम तो जानती होंगी? जी नहीं। अजीब आदमी, अपना नाम पता भी नहीं बताया। मेरा कहा मानिए, वो कोई जरूर बुरे आदमी होंगे। वाह, ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छे आदमी न होते तो मेरी तस्वीर वैसे ही पत्रिका में छपवा देते। ठीक है, लेकिन आपकी तस्वीर तो नहीं भेजनी चाहिए थी। तो क्या हुआ, वो भेजेंगे जरूर, कौन जाने बीमार हो गए हूँ। जी हाँ, हो सकता है, मुमकिन है याद आ जाए और दो एक दिन में भेज दे। जी वो तो क्या भेजेंगे, भेजेगा ये बंदा। जी
कुछ नहीं, जरा पोस्टमा साहब को भेज दीजिए। अच्छा, नाम क्या बताऊं? नाम सतीश कह दीजिए। मुड़े हो गए, सेब चुरा के खा रहे हो, शर्म नहीं आते चोरी करते? अच्छा, आप चोरी ना करूंगा, दे दो, नहीं मिलेगा। मौसी मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। बाबूजी आपसे कोई सतीश बाबू मिलने आए हैं। ओ अच्छा अच्छा, चोरी कहिए जी। क्या काम है? जरा पोस्टमास्टर साहब से मिलना। तो कहिए ना, उन्हें से कहना है। हाँ हाँ, तो कहते क्यों नहीं जी, आप सुन के क्या कीजिएगा। तो फिर बुलाया क्यों था? आप ही पोस्टमास्टर, और नहीं तो क्या, आप क्या समझे? मैं समझा, माफ कीजिए। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मुझे रहमान ने भेजा, उनके हाथ में छुरी लग गई। छुरी लग गई? ओह ठहरिए, मैं चलता हूँ देर। अरे ये सेब तुझे कहाँ से मिला? माने दिया है। सुबह सुबह खा रहा है, खांसी हो जाएगी, जहर है जहर। तुमको नहीं मिला तो जहर हो गया। चल चल। अरे कहाँ चले? क्या काम है? लो तगाई लिया। अच्छा चलिए चलिए। राम राम चाचा। राम राम बेटी। सलाम साहब। सलाम साहब, कहो अब आगे यक्कल ठिकाने। मैं जानता था ये नरगिस एक दिन तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेगी। नहीं नहीं साहब, आपकी कसम उसका कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं, फिर छुरी कैसे लग गई? वो तो यूं ही है, धोखे से लग गई। अरे भाई तुम नहीं जानते, बात बात में वो छुरी चाकू निकालती है। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ तो जख्म कहाँ लगा है? जी यहाँ। खोलो नहीं, खोलो नहीं। देखो रहमान, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, 7-8 रोज बिस्तर ही पर पड़े रहना। ये कैसे हो सकता है साहब, दांत बांटने तो जाना ही पड़ेगा। वाह, ऐसी हालत में तुम कैसे जाओगे? नहीं तो कौन जाएगा? धरा क्या है इसमें, मैं चली जाऊंगी। कुछ छुरी चाकू बेचना नहीं है, सरकारी काम है, सरकारी, समझी? तो तुम ही चले जाया करो, दिन भर तो कुर्सी में बैठे बैठे ऊंगा करते हो। क्या ये नरगिस, क्यों फजूल बकती है? तुझे मेरी कसम, चुप रहना। मैं चुप हूँ, लेकिन फिर अजब मुसीबत आ पड़ी है। अब डाक कैसे बटेगी, क्या किया जाए? पोस्टमास्टर साहब, जब तक रहमान भैया बीमार है, उनका काम मैं कर दिया करूंगा। नहीं नहीं बाबू, मेरे लिए भला तुम ये काम करोगे? तो क्या हुआ, जो काम तुम कर सकते हो मेरे करने में क्या बुराई है? हाँ पोस्टमास्टर साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं? नहीं तो, लेकिन बात यह है कि तुम एक नए आदमी हो और ये ठहरा सरकारी काम, इसलिए। आप इसकी फिक्र न कीजिए, मैं इनकी जमानत लेता हूँ। अच्छी बात है, तो तुम आ जाना, मैं सब ठीक कर लूंगा।
देखो तो कौन है? कोई तो नहीं। उधर देखो, उधर। अरे कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? शायद आपसे कह रही। ओह, क्या है शांति? फिलिया मेरा नाम। बुढ़ापे में क्या शौक हुआ मेरा नाम लेने का? भूलो गई। भूलो गई? कुछ भाजी तरकारी लाए हो कि नहीं? कब से रात देख रही हूँ। अरे हाँ, तरकारी लाना तो मैं भूल ही गए। हाँ? तो खाओगे क्या मेरा सर? क्या भी लिया? अभी ले आओ, जैसे मैं इनका नौकर हूँ। देखिए फिर कुछ कह रही हैं। कहने दो, कहने दो। कौन है आप? ऐसे ही, नंदू की माँ। यानी आपकी? हाँ हाँ। नंदू, क्या है माँ? क्या अपने बाप से कह दे, तरकारी नहीं लाया खाना भी नहीं मिलेगा। अभी क्या फिर कहता हूँ? बाबूजी, बाबूजी। क्या है बेटा? माँ ने कहा है तुमको आज खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा? क्यों? तुम तरकारी क्यों नहीं लाए? अच्छा अच्छा, मैं पानी पी कर रहूँगा। देखा, तरकारी नहीं लाया तो खाना नहीं मिलेगा। जैसे एक दिन न खाने से मैं मरी जाऊंगा। अरे भाई, महात्मा जी ने 21 दिन तक उपवास किया था और मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता। जी हाँ, क्यों नहीं? खाना नहीं मिलेगा। श्रीमती शांति देवी मार्फत पोस्ट मास्टर, ये खिताब ले लीजिए ना। मेरे यहाँ शांतिमती देवी कोई नहीं है। क्यों? नंदू की माँ का नाम यानी आपकी? अरे हाँ, शांति देवी। जाने किस मनुष्य ने यह नाम रखा है। शांति की जड़। क्या कहा? माँ शांति की जड़। अभी क्या कहता हूँ? हाँ हाँ कह दे। अरे ये चिट्ठी तुम अंदर ही दिया आपकी उनको। खाना नहीं मिलेगा। माँ माँ, बाबू जी तुम्हारे शांति का जड़ कह रहे थे। अच्छा, आज इन्हें भूखा न रखा तो मेरा नाम शांति नहीं। चूरी चुगल खो, इसके कान क्यों खेचती है? क्या कि उनके कान खेच? तुम तो बेकार बिगड़ती हो मासी, अशांति की जड़ ही तो कहा है। चल चल, बड़ी आई वकालत करने। चिट्ठी आई रहमान भैया। अरे गीता, तू रहमान के साथ ही महिला मंदिर चली जाए। अच्छा ला रहमान भैया। ओ आप? जी आप चिट्ठियां बांट रहे हैं? जी रहमान बीमार है, इसलिए उनकी जगह मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आप तो गांव की सीनरी देखने आए थे। सीनरी? जी हाँ, अच्छा हुआ ये काम मिल गया। अब तो रोज सीनरी देखा करूंगा। आप पोस्टमैन का काम करेंगे? तो क्या हुआ, आखिर मैं भिखारी ही तो ठहरा। देखिए आप अभी तो भूले नहीं, क्यों मुझे इस तरह शर्मिंदा करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कहूंगा। लीजिए नंदू, मौसी को दिया। सुनिए, बस एक ही चिट्ठी थी। जी हाँ। क्या? मैंने अभी सब डाक देखी नहीं। ओ आप नहीं जा रहे हैं? जी हाँ, महिला मंदिर। अच्छी बात है, कुछ आया होगा तो वहीं लेता आऊंगा। जी आप उन फोटोग्राफर यानी अपनी तस्वीर क्या देख रहे हैं ना? जी नहीं। ये सुनकर दुख होगा कि कुछ ही दिनों में हमें अपना महिला मंदिर बंद कर देना पड़ेगा। क्यों? पुराने जमींदार ने जब से ये गांव बेचा है, हमें बाहर से कोई सहायता नहीं मिलती और एक ही खाना चंदा इकट्ठा करके तो ये महिला मंदिर चलाया नहीं जा सकता। तो नए जमींदार से चंदे के लिए कहा जाए ना? लेकिन वो तो शहर में रहते हैं, गाँव की कभी खबर भी नहीं लेते और कौन जाने कैसे आदमी है। कमला दीदी, तुम्हें कुछ मालूम है उनके बारे में? उस दिन लगान माफ कराने तुम उनके पास गई थी ना? हाँ, लेकिन मैं कुछ समझ ना पाई। ओ, मैं कहती हूँ हम लोग उन्हें बुला के एक जलसा करें और फिर उनसे सहायता के लिए कहा जाए। हाँ, लेकिन वो शहर से आएंगे भी। क्यों नहीं, चिट्ठी लिख के देखें, शायद वो राजी हो जाएं। हाँ, ठीक है, ठीक है।
अच्छा तो मैं अभी जाके बाबूजी से कहती हूँ, वो अच्छी सी चिट्ठी लिख देंगी। अच्छी बात। चिट्ठी देखना, मेरी कोई चिट्ठी है? आपका नाम? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी, चंचल कुमारी। कोई चिट्ठी है? आपका नाम? राम प्यारी। राम प्यारी, चंचल कुमारी, राम प्यारी। कोई चिट्ठी है? राधा रानी, राधा रानी कुमारी, राधा रानी कुमारी प्यारी, राधा चंचल। अरे क्या यही सबका नाम जपते रहोगे कि चिट्ठी निकाल दोगे? अभी देता हूँ। कुमारी, राम कुमार, राम प्यारी, राधा प्यारी, चंचल। अरे क्या प्यारी प्यारी लगा रखा है, ला इधर। अरे 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 अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे चिट्ठियाँ फट रही, अरे मैं जा रहा हूँ, मुझे निकलने तो दीजिए। चोट तो नहीं लगी जी? नहीं। आप यहाँ चिट्ठी बांटने चले आए? जी हाँ, आपके लिए। आपका जो पैकेट आया है ना, वो देने आया था। मेरा पैकेट? जी हाँ। कहाँ है? अच्छा जी, बिच्छू 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 बिच्छू, माफ कीजिए, ये पैकेट लेना था, ले लीजिए। शुक्रिया। अच्छा, अरे आप लोग कहाँ चले, इन्हें भी लेके जाइए। ये हमारे नहीं है। तो क्या हुआ, अपने अपने पड़ोसों को बांट दीजिए, मैं घर घर भटकने से बच जाऊंगा। तो फिर पोस्टमैन क्यों बने? ये मैं आपको कैसे बताऊं। सुनिए जी, ये देखिए। ओ, आपकी तस्वीर मैंने भी इसी पत्रिका में देखी थी। अभी पैकेट में क्या यही आई? जी हाँ, मैंने आपसे क्या कहा था? क्या? वो साहब मेरी तस्वीर जरूर भेजेंगे। अच्छा, ये पत्रिका फोटोग्राफर साहब ने भेजी है, तो वो साहब शरीफ आदमी निकले। आप तो मेरा विश्वास ही नहीं करते थे। मेरी गलती थी, उन्होंने कुछ लिखा? भेजने में इतनी देर क्यों हो गई? जी नहीं, शायद फुर्सत मिलने पर लिखेंगे। जी अच्छा, मेरी पत्रिका तो देते जाइए। ओ, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे चली रे चल। खाना नहीं मिलेगा। क्या खा रहा है नंदू? कचौड़ी। ओ, आज कचौड़ी बनी है? सुना है कचौरी बनाई है? हाँ बनाई तो है, लेकिन तुम्हें क्या? मैंने तो यही पूछा, यही पूछा कि खाने आओ। मैं शांति की जड़, किसने कहा कौन कहता है? तुम मैंने भी आज कसम खाई, इसमें खाना नहीं दूंगी। अरे तो यह खाता ही कौन है? हाँ जाओ। दीदी की तस्वीर देखी? गीता जी देखो, बड़ी अच्छी आई है, इसमें कैसे छपी? शहर के फोटोग्राफर अपने बगीचे की तस्वीर ले रहे थे, मैं झूले पर थी, मेरी भी तस्वीर ले ली। ओ, कितनी अच्छी लग रही है तू, ला बाबूजी को दिखाऊं। कहाँ है बाबूजी? कौन जाने, खाना नहीं मिला तो ऐड कर चले गए। तुम बहुत तंग करती हो बाबूजी को, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। दीदी दीदी, बाबूजी तो रसोई घर में घुसे हैं। क्या? एक कचौरी और। आप शायद मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मेरी मजबूरी जानकर आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। जिस दिन से यहाँ आया हूँ बुखार ने आ घेरा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इस बीमारी में भी आपकी याद मेरे दिल में बराबर है। इस वक्त भी मेरी नजरें आपको उसी झूले पर बैठी देख रही हैं, जिस पर मैंने आपका एक दिन फोटो लिया था। तो आपने मुझे माफ कर दिया ना?
डॉक्टर ने चलने फिरने खाने पीने तक को मना कर दिया है, जिसकी वजह से बेहद कमजोर हो गया हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे खत का जवाब दिया तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द अच्छा हो जाऊंगा। आपका रमेश। रमेश? तो क्या वो फोटोग्राफर साहब का नाम रमेश है? अरे नहीं, उसका नाम तो ना मैं जानता हूँ ना वो लड़की। वो तो यही लिख दिया एक अच्छा सा नाम, वो तो तुम्हारा नाम लिख दूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कसम कहीं ऐसा ना करना, वरना नरगिस मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। अच्छा भैया, वो लड़की तो यही समझेगी कि फोटोग्राफर साहब ने खत लिखा है, तो उसे और ज्यादा चाहने लगेगी। अरे चाहने से क्या होता है, वो महाशय से भूल भी चुके होंगे, ऊपर ना खत ना लिखते, क्या समझे? हाँ हाँ ठीक कहते हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। नहीं समझे? अरे भाई, अगर उसने इस खत का जवाब दिया तो ऐसे दर्जनों खत उसके पास जाएंगे, और फिर एक दिन वो लिखेगी, तुम बिना नहीं आवत चैन। तब मैं उसके पास जाके कहूंगा, सुंदरी, ओ सुंदरी, निराश ना हो, मैं ही तो तेरा रमेश हूं, मैं ही तो तुझे ये सब खत लिखा करता था। उस फोटोग्राफर को, उस फोटोग्राफर इडियट को भूल जा, ओ हमेशा के लिए भूल जा। ये सुनकर वो मेरे गले में बाहें डाल देगी और कहेगी, कहेगी क्या कहेगी, यही के, यही के। अम्मा तुम ये भी नहीं समझते कि वो क्या कहेगी। अरे भाई सोची तो बड़े दूर की, आज मालूम हुआ कि कॉलेज में पढ़ने से क्या फायदा होता। अरे कॉलेज में होता ही क्या है, अब तो समझ गया ना, एक बार फिर से सोच लो। भाई तुम्हारी कसम मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। अरे नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नरगिस क्या मेरी नरगिस से ज्यादा खूबसूरत है? हाँ हाँ बहुत, बेपनाह। मेरी कसम, तुम्हारी कसम, अगर मैं गालिब होता तो दर्जनों दीवान लिख मारता। अरे भाई मजा तो इसी में है कि गालिब ना होते हुए भी एक आदगारा लिख भेजो। भला मैं कोई गालिब हूँ? लेकिन जब कभी नरगिस इधर से निकलती थी तो उसको ये गा के सुनाता था कि तेरी आंखें नहीं हैं तीर हैं। वाह वाह क्या चुपती हुई चीज है, और तो यही लिख दूं। नहीं नहीं, मुझे तो उसकी आंखें पसंद थी इसलिए गाया करता था। तुम्हें तो वो झूले पे बैठी हुई अच्छी लगी थी ना, तो लिख डालो कुछ झूले पे। झूले पर? हाँ ठीक है, झूला झूले झूलो, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। वाह, इसके बाद? इसके बाद झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। खुशी से फूलो मेरे मन, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। तुम्हारी कसम फड़क उठेगी पड़ गई, दौड़ी दौड़ी झूले पे जाएगी और गाने लगेगी, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। अरे यूं नहीं, यूं, झूले झूले झूले। अरे वो तो इससे भी बहुत अच्छा गाएगी। झूले के संग श्रीमती गीता देवी। अरे गीता, तेरी चिट्ठी आई है, लीजिए। ओहो गीता की तो ब्याह से पहले चिट्ठी आने लगी। चिट्ठी है? आओ कमला दीदी। अरे खड़े खड़े मुँह क्या देखते हो, चिट्ठी निकालो ना। आपका नाम? ओ चंचल कुमारी, चंचल कुमारी, चंचल कुमारी, चंचल कुमारी। चिट्ठी है? आपका नाम? इंदुरानी, 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 चंचल कुमारी, इंदुरानी, चंचल कुमारी। नाम रखना शुरू कर दिया, जल्दी निकालो, जल्दी करो, नहीं तो आप लोग खुद देख लीजिए। अरे तो चिट्ठी नहीं पढ़ते, घर जाके पढ़ लूंगी, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, आपका रमेश। आप? जरा सीनरी देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी जगह, क्या नाम है इस जगह का? श्याम कुंज। श्याम कुंज, आज आप बड़ी खुश नजर आ रहे हैं, मालूम होता किसी सहेली की चिट्ठी आई। जी नहीं, फोटोग्राफर साहब ने लिखी है। अच्छा ये फोटोग्राफर साहब की चिट्ठी है, मैंने आपसे कहा ना था फुर्सत मिलने पर वो जरूर लिखेंगे। जी देखूं क्या लिखा? नहीं नहीं, आप मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे?
क्यों कोई ऐसी बात लिखी जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए? ये बात नहीं, लेकिन किसी को दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। ओह, तब रहने दीजिए। लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि तस्वीर भेजने में इतनी देर क्यों करती? जी हाँ, यहाँ से जाके वो बीमार हो गए थे। बीमार हो गए थे? बेचारे, अब कैसी तबीयत है? पहले से कुछ अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने चलने फिरने खाने पीने तक को मना कर लिया। ओहो, आपने ठीक ही कहा था, तभी तस्वीर भेजने में इतनी देर हो गई। क्या नाम है उनका? रमेश। रमेश बड़ा प्यारा नाम है, क्यों ना हो, जैसे आदमी है वैसा ही नाम है। मैं उनको बिल्कुल गलत समझा था, बेचारे ने इतनी बीमारी में भी आपको तस्वीर और चिट्ठी भेजी, कितना ख्याल है आपका। हाँ, आपने चिट्ठी का जवाब तो दे रही है ना? जी, मैं कैसे उन्हें चिट्ठी लिखी? क्यों हर्जी क्या है, वो आपकी चिट्ठी की राह देख रहे होंगे। कम से कम चिट्ठी और तस्वीर के लिए उन्हें धन्यवाद तो लिखकर भेजना चाहिए। धन्यवाद मैं दे दूंगी जब वो गाँव लौट कर आएंगे। गाँव लौट कर आएंगे, कब आ रहे हो? ये तो कुछ लिखा नहीं। ओह, लेकिन अभी तो वो बीमार है ना, न जाने कब तक आ सके। अगर आपने चिट्ठी न लिखी तो कहीं वो और ज्यादा बीमार ना हो जाए। नहीं नहीं, ये तो आपका ख्याल है। जी नहीं, उनकी जगह मैं होता तो मेरा तो बुरा हाल हो जाता। ओह, आता भेजेंगी ना? जी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली हो चली हो। झूले के संग झूला झूलो मेरे मन, झूले के संग झूला झूलो मेरे मन तुम, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन तुम, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, झूले के संग झूला झूलो मेरे मन। देखो फूलों के संग झूले सूरज किरण, डाली डाली पे झूल रहा चंचल पवन, झूले सारा मधुबन झूले सारा मधुबन, झूले के संग झूलो झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। कहीं दूर मेरे उलझे नयन, कहीं दूर मेरे उलझे नयन, मैंने सुलझाए पर नहीं सुलझे नयन, मैंने सुलझाए पर नहीं सुलझे नयन, मुझे आती है याद किसी की चन चन, मुझे आती है याद किसी की चन चन, झूले के संग झूलो झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। उनके नैनों से मिल गए मेरे नयन, किसी आशा से खिल गए मेरे नयन, उनके नैनों से मिल गए मेरे नयन, किसी आशा से खिल गए मेरे नयन, हाँ जादू सा कर गए प्यारी चितवन, हाँ जादू सा कर गए प्यारी चितवन, झूले के संग झूलो झूले के संग झूलो झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन तुम, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन तुम, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, झूले के संग झूलो झूले के संग झूलो झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। आज मौसम सलोना सलोना रे। नंदू, ये गाना किससे सीखा? दीदी से। ओ, बड़ा अच्छा गाना है। सच? आपको पसंद है? जी हाँ बहुत। आपने बनाया? जी जी हाँ, मैंने बनाया। खूब खूब, लाइए मैं डालू खत। जी नहीं। बाबू रमेश चंद्र, वही फोटोग्राफर साहब के खत का जवाब है ना? आप फजूल शर्माती हैं।
मौसम सलोनी। क्यों भैया, ये कोई नया गाना बना डाला क्या? नहीं नहीं, अरे ये गाना तो उस लड़की ने चिट्ठी में लिखकर भेजा है। मेरी कसम, जरा सुनाओ ना। कौन है ये लड़की? अरे सतीश भैया की भी एक नरगिस है, उसी ने लिखा है। सच? तना 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 तोरे नाना, आज मौसम सलोना सलोना रे, आज मौसम सलोना सलोना रे, हाँ सलोना रे, दिन सलोना ऋतु सलोनी मौसम सलोना रे, चमके चमाचम मेरे सपने, चमके चमाचम मेरे सपने, जैसे चांदी सोना रे, मौसम सलोना सलोना रे, हाँ सलोना रे, दिन सलोना ऋतु सलोनी मौसम सलोना रे, आज संदेशा आया तो संदेशा में आनंद छाया, किसका आज संदेशा आया तो संदेशा में आनंद छाया, मेरे मन में छवि किसी की करती जादू तो न रे, मौसम सलोना सलोना रे, आज मौसम सलोना सलोना रे, हाँ सलोना रे, हाँ सलोना रे, हाँ दिन सलोना ऋतु सलोनी मौसम सलोना रे, मेरे जीवन में जागी दुआई आज हजारों दीपक वाले, मेरे जीवन में जागी दिवाली आज हजारों दीपक वाले, जगमग जगमग हो गया मेरे मन का कोना कोना रे, मन का कोना कोना रे, मौसम सलोना सलोना रे, मौसम सलोना सलोना रे, हाँ सलोना रे, हाँ सलोना रे, बाबूजी गाना तो बड़ा सलूना लिख के भेजा है उस लड़की ने। और क्या, एक तू है कि दो घड़ी प्यार से बातें भी नहीं करती, जब देखो हाय अल्लाह हाय अल्लाह, और तुम तो जैसे वक्त प्यार की झड़ी लगाते रहते हो, बात बता, मेरी कसम तेरी कसम, मेरी कसम तेरी कसम, मुझे देखकर आप घबरा गई? नहीं तो, कहिए रहमान भैया की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत तो अच्छी है, लेकिन वो काम पर नहीं आते। हाँ, अभी और कुछ दिन आराम की जरूरत है। ओ, आपको पोस्टमैन का काम कैसा लग रहा है? जी क्या कहूँ, अब तो मैं ये काम उम्र भर कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या है इस काम में? अल्लाह, मैं निकाल दूँ डाक। तुम्हारे कसम रहमान भैया, कम से कम आज तो मुझे चिट्ठियाँ निकाल लें दो, बड़े जिद्दी हो तुम। अल्लाह, मैं ले चलूँ। सुनो तो, देखा सतीश, मेरी दवाई पीकर अब तो रहमान दौड़ने लगा। जी सुनो तो, आज से रहमान काम पर आ गया, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जी सब चौपट हो गया है, यानी अभी कुछ सोचा नहीं। अल्लाह, मैं लगा दूं मोहर, तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। अरे भाई जख्म तो अच्छा हो गया, अब भी दर्द होगा, कौन जाने फिर हो जाए। सतीश भैया, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। नहीं ये बात नहीं, मैं समझता हूँ, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया भाई भाई के लिए नहीं करेगा, तुमसे नेक आदमी मैंने नहीं देखा। लेकिन नेक आदमी की बात तो नहीं मानते हो क्या? मुझे लगाने दो ना मोहर। ओ ये बात है, ये तो मैं नहीं करने दूंगा। अच्छा भैया, उस लड़की की चिट्ठी आई है,
हाँ आई तो है। अब के क्या लिखा है? मुझे मोहर लगाने दो, मैं बताता हूँ फिर वही बात। बताओ ना क्या लिखा है। कैसे बताऊँ, क्यों? अरे भाई तुम नहीं समझोगे। अच्छा रहमान भैया, तुम आँख बंद करके मोहर लगा सकते हो? अरे इसमें क्या धरा है, उम्र गुजरी फोर्स में नहीं करते। हाँ जरा करके दिखाओ। अरे तुम देख रहे हो, अब करो। नहीं कर सके ना, फिर कोशिश करो। अभी नहीं। अरे नरगिस शायद तुमसे मिलने आई है, जाओ ना। अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, सरकारी काम कर रहा हूं। अरे नरगिस रमन भैया से मिलने आई हूँ ना, वो रहे बुला लो। नहीं नहीं मैं तो कागज लेने आई हूँ। कागज लेने? ये डाक बाबू। क्या है? एक कागज चाहिए। तीन पैसे निकालो। पैसे तो नहीं है, फिर ले लेना। ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस पान की दुकान नहीं कि उधार मिल जाए। अरे बिगड़ते कहा तो चाकू लेना बदले में। नहीं नहीं देखो तो सही, बहुत तेज है। देखो बिल्कुल धार नहीं। हाँ ला पिंसल की पिंसल बना ले और कहते हैं धार नहीं। हाँ क्या दाम है? चार आने। क्या इस सड़ियल चाकू के चार आने? मुझे नहीं चाहिए। हाँ ला चाकू सड़ियल हो गया, भूख तो पार पार हो जाए। कह दे मुझे नहीं चाहिए। जाते कहा हो, पैसे रख दो सीधी तरह। कोई जबरदस्ती है? और नहीं तो क्या, पिंसल बना के मेरा चाकू खराब कर लिया। पैसे ना मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो अंदर से मंगा लो। नहीं नहीं क्या पिटवाएगी मुझे? मैं क्या जानू, मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है, छोड़ दिएगा। नहीं नहीं रमन। अरे जा जाओ, नरगिस पोस्टमास्टर साहब की गप बना रही है। ओ नरगिस, अरे ये क्या कर रही है, छोड़ दे साहब को। वाह पहले मेरे पैसे दिलवा, मेरा चाकू बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? तुमने। देख लड़की है, अच्छा नहीं होगा, होने दो। अरे तुझे मेरी कसम, छोड़ दे। नहीं नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अरे देख ये तारा है, मुझे छोड़ दे। मेरी बला से देख रहे, सरकारी काम है, हम कहीं पर जाएंगे। पढ़ने दो। अरे सतीश भैया देखो, ये नरगिस नहीं मानती। क्या हुआ नरगिस? मेरे पैसे नहीं लेते। कैसे पैसे? चाकू के। अच्छा नरगिस तुम्हें पैसे चाहिए? पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड चलो। नहीं नहीं पैसे पहले ले लो। पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा लेकिन देखो रमन, इसे बाहर ले जाओ और समझा देना कि अगर फिर कभी इधर आ गई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। हाँ ला कोई कागज लेने भी ना आए। नहीं नहीं आज पूछना सब तार आ रहा तार। रमन ये तार मैनेजर साहब को दे आओ जल्दी। नए जमींदार साहब कल महिला मंदिर के जलसे में आने वाले हैं। कौन? महेश बाबू। हाँ और देखो महिला मंदिर में भी खबर दे आना। जी। और सुनो इस लड़की से दूरी रहना, बड़ी खतरनाक लड़की है। जी नहीं दरअसल वो ना समझे। ना समझे? आप बड़े समझदार हैं। जाओ तार दे आओ। जी उस दिन की कथा है ना, क्या लिखा है तुम भी नहीं आओ तो चाहे मेरी कसम। लेकिन ये तुम्हारी सूरत क्यों उतरी हुई है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तुम जो काम पर आ गए, अब मैं क्या करूं? क्यों जाओ लड़की से मिलाओ ना। मिल तो नहीं लेकिन कहूंगा क्या। वही वही सुंदरी। सुनो तो सुंदरी, निराश ना हो। तेरा सतीश तो, तेरा रमेश। हाँ तेरा रमेश तो मैं हूँ। मैं ये खत लिखा करता था उस फोटोग्राफर, उस फोटोग्राफर इडियट। इडियट? हाँ उस फोटोग्राफर इडियट को भूल जा, हमेशा के लिए भूल जा। लेकिन ये सुनकर कहीं इसने चांटा रसीद कर दिया तो तुमने तो कहा था कि वो ये सुनकर गले में बाहें डाल देगी और कहेगी कहेगी। कौन क्यों कहेगी रहमान भैया? वो लड़की। कौन लड़की? जी नहीं नहीं एक लड़की है जो सतीश भैया को चिट्ठी लिखती है। ओ तो आपको कोई लड़की चिट्ठी लिखती है? जी ये तो यही कह रहे हैं। हाँ रहमान भैया। नहीं नहीं आज ही चिट्ठी आई। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? रहने दो रहमान भैया, शायद आप मुझे बताना नहीं चाहते। जी ये बात नहीं। तो क्या है, लिखती है ना चिट्ठी? जी कौन है वो लड़की? जी आप मेरा मतलब है आपको कैसे बताऊं? क्यों मुझे बताने में कोई हर्ज है? जी जी हर्ज तो कुछ नहीं, लेकिन डरता हूँ शायद आप बुरा मान जाए। वाह मैं क्यों बुरा मानने लगी? सच? हाँ हाँ। अच्छा कहाँ रहती है वो लड़की? जी इसी गाँव। तुमने तो कहा था वो शहर में रहती है। शहर में? अरे हाँ
जी आप मुझसे कहते शर्माते हैं, तुम्हें बताओ रहमान भैया इसमें शर्माने की क्या बात है। क्या कहूँ गीता, लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा आपकी तरह? मेरी तरह? तब तो वो लड़की बहुत बुरी है। वाह आपको कैसे मालूम? अच्छा अच्छा बिगड़िए मत, बहुत अच्छी है वो। हाँ तो क्या नाम है लड़की का? जी है एक नाम आफिका सर। अजीब बात है, लड़की मेरी तरह है, नाम मेरे जैसा है, कहीं मैं तो नहीं है वो लड़की है। जी जी नहीं। सतीश भैया तो बिल्कुल घबरा गए हैं, बहुत परेशान है बेचारे। परेशानी की क्या बात है? बात यह है गीता कि सतीश भैया को अभी तक मालूम ही नहीं कि वो लड़की इनसे मोहब्बत करती है या नहीं। ओ जी यही बात है। तो आप जाकर पूछ क्यों नहीं लेते? पूछ लो। कैसे पूछूं? कहीं तो मैं लिखकर पूछ लो। मैं ये कैसे हो सकता? क्यों? क्योंकि आप खुद, यानी दरअसल डरता हूँ मुझे पसंद करें या नहीं करें। वाह आप इतने अच्छे हैं, ऐसी कौन लड़की होगी जो आपको पसंद न करे? सच आप कैसा ख्याल है? जी हाँ। तो कह दो सब कुछ मुझसे। अजय नहीं उस लड़की से। हाँ हाँ जरूर। हाँ हाँ मैं भी तो जब से यही कह रहा हूँ। अजब डरपोक आदमी हो तुम। एक कौन डरपोक? मैं? नहीं नहीं आप तो बहुत बहादुर हैं। अच्छा तो लड़की से मिलकर मुझे जरूर बताइएगा। जी हाँ जरूर, भला आपको नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। क्या? अरे भाई तुम नहीं समझोगे। अच्छा रहमान भैया तुम कहो तो हिम्मत करके मिल ही लूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं तो कब से कह रहा हूँ, बोलो कब मिलोगे? सोचता हूँ कल शाम को मिलने के लिए लिख दूं, श्याम कुंज के पास है। तो क्या शहर में भी कोई श्याम कुंज है? अरे वहाँ तो कुंज ही कुंज है, राम कुंज, सीता कुंज, श्याम कुंज। ओह तो क्या शहर आज ही चले जाओगे? हाँ पहले खत लिख लूं फिर बताऊंगा। रहमान अभी तक तार देने नहीं गया? आपकी कसम भूल गया। आपकी कसम भूल गया? नरगिस से मिलना नहीं भूलता? जाओ फौरन तार दिया। अरे जा जा नरगिस से मिल लेना। गीता ये तुम्हारे नाम खत है। ओ आज अभी से महिला मंदिर जा रही हो? हाँ जमींदार साहब आने वाले हैं ना। हाँ हाँ शाम को इंतजार करूंगा, शाम कुंज के पास, शाम कुंज के पास शाम मिलेंगे। आप यहाँ? आप मुझसे कुछ करें? जी नहीं। सुनिए तो इस खत ने क्या रमेश बाबू ने मिलने के लिए लिखा? नहीं तो। लेकिन अभी आप कह रही थी ना श्याम कुंज के पास। वो तो मैं यूं ही एक गाना याद कर रही थी। ओह तो ये गाना है श्याम कुंज के पास। जी। आगे क्या है? आगे श्याम कुंज के पास। हाँ श्याम कुंज के पास मोहन बिन राधा खड़ी उदास। वाह कितना प्यारा गाना है। श्याम कुंज के पास रमेश बिन गीता खड़ी उदास। क्या होता हुई? देखिए ये बात ठीक नहीं। इसलिए तो श्याम कुंज के पास रमेश बिन गीता खड़ी उदास। मैं आपके महिला मंदिर की हर तरह मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन अच्छा हो कि आपके गांव वाले भी इस काम में आपका पूरा हाथ बटाएं। और ये इस तरह हो सकता है कि आप लोग एक जलसा करें जिसमें खेल तमाशों का भी इंतजाम हो, घर घर टिकट बेचे जाएं। इससे एक तरफ तो कुछ रुपया जमा हो जाएगा और दूसरी तरफ महिला मंदिर के लिए गांव वालों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा अब मैं आप लोगों का और ज्यादा वक्त मिल लूंगा। जमींदार साहब ने जो राह सुझाई है उसके लिए मैं उन्हें अपनी और अपनी बहनों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। हम जलसा करने को तैयार हैं, मगर मुश्किल ये है कि उसके लिए भी तो रुपए की जरूरत है। लेकिन जमींदार साहब के होते हुए हम उसकी चिंता क्यों करें। आपकी सेक्रेटरी गीता देवी ने कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। मैं जलसे का सब खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको मुझे देखकर ताज्जुब तो जरूर हुआ होगा। जी हाँ मैं तो आपको फोटोग्राफर ही समझी हुई थी। माफ कीजिए उस दिन जल्दी में मैं आपसे ठीक तरह से बातें न कर सका। आज शाम को आपसे मिल सकता हूँ? जी हाँ श्याम कुंज के पास। अच्छा ¶¶
ओम नमस्ते। आज तो बड़ी अच्छी मालूम हो रही। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, आपसे बहुत सी बातें कहनी। बैठिए ना। देखिए आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी कहिएगा। अभी मैं जरा अकेले रहना चाहता हूँ। आप नहीं जानती बहुत जरूरी बात। क्या? दरअसल मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। उस दिन आप कह रहे थे ना कि सब कुछ कह दूँ उस लड़की से। हाँ हाँ, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा नमस्ते जी। अच्छा आ गए आप। जी हाँ, आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया था। क्या? अगर आपको सब बात मालूम हो जाए, यानी अगर आपको पता हो जाए कि मैं क्या? आपको रमेश नाम पसंद है ना? जी है। तो फिर अगर मैं अपना नाम रमेश रखूं तो? देखिए सतीश बाबू, देखिए बिगड़िए नहीं, मैं तो अभी चला जाऊंगा। सिर्फ ये बता दीजिए आप रमेश बाबू यानी फोटोग्राफर सबको क्यों पसंद करती? वो चिट्ठी अच्छी लिखने से लिए ना। आपको इनसे मतलब? अजी बहुत कुछ। मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो सुन के आप? क्या? ये तो नहीं मालूम, वरना कहना देता। देखिए आप बेकार की बातें कर रहे हैं। मैंने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। जी ये तो ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ आई हैं तो सुन लेती तो अच्छा ही होता। मैं कुछ सुन नहीं सकती, मेहरबानी करके आप यहाँ से जाइए। लेकिन अच्छी बात है, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं आप बैठिए, मैं चला। क्या मुसीबत, आप नहीं समझते अगर मैं यहाँ से चला गया तो अकेले ही बैठी रह जाएंगी। हाँ हाँ आप जाइए। अच्छा आप बैठी रही, मुझे उस तरफ जाना। अब बस एक बात और कहनी है, फिर फौरन चला जाऊंगा। कहिए। अब बुरा तो नहीं मानेंगे? कहिए भी। आप यहाँ फोटोग्राफर साहब यानी रमेश बाबू का इंतजार कर रही हैं ना? जी। अच्छा हाँ, आपको रमेश बाबू से मिलना है ना, इसलिए तो मैं। सुनिए तो, देखिए आप तो कुछ कहने से पहले ही बिगड़ जाती हैं। लीजिए मैं जाता हूँ। सतीश भैया तुम यहाँ? हमने तो सारा गांव ढूंढ मारा, चलो तुमसे बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं अभी मैं नहीं जा सकता। अरे सुनो तो, कल जमींदार साहब के हम दोनों का नाच है। तो मैं क्या करूँ? वाह बड़े आदमी के यहाँ नाचना है, हमारा गाना नाच ठीक कर दो ना। तुम चलो मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं रहमान भैया ले जाओ इन्हें। हाँ भैया चलो। अरे तुम तो अपनी पड़ी। रहमान भैया ये ऐसे नहीं जाएंगे, इन्हें पकड़ के ले जाओ। अभी से गाना नहीं सीखोगे तो कल तक नाच तैयार भी ना होगा। हाँ भैया चलो। अरे 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 छोड़ो मुझे, तो आप भी घर जाइए ना, अब यहाँ बैठ के क्या कीजिएगा। मैं अपना नाम रमेश रखू। कहिए कैसे हंस रही हैं? यूं ही एक बात याद आ गई। अच्छा आप कहे क्या, बहुत देर हो गई? जी नहीं तो। बैठिए ना, बड़ी अच्छी जगह है। मैं अपना कैमरा लाना भूल गया, वरना आपकी तस्वीर यहाँ भी उतारता। हाँ उस दिन झूले पर आपकी तस्वीर ली थी ना, वो मैंने छपवा दी थी, लोगों ने बहुत पसंद की। यहाँ भी सबको बहुत पसंद आई। अच्छा बाहर पत्रिका में देखी होगी? जी पहले जब मैंने तस्वीर देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सच? जी हाँ, पत्रिका भेजने के लिए फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ। पत्रिका भेजने के धन्यवाद? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करती हैं? मैं मानता हूँ मुझसे भूल हुई। नहीं नहीं इसमें भूल की क्या बात है, आप तो बीमार हो गए थे, फिर भी इतनी बीमारी में आपने मुझे तस्वीर और चिट्ठी भेजी। आपकी बीमारी का हाल पढ़कर मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब दूसरी चिट्ठी मिली तब जाके चिंता दूर हुई। माफ कीजिए, आप क्या मुझसे मजाक कर रही हैं? क्यों आप मेरा विश्वास नहीं करते? मैं सचमुच घबरा गई थी, मैंने आपको लिखा भी तो था। क्यों क्या हुआ? जी कुछ नहीं, जरा सर चकरा गया है, अभी ठीक हो जाऊंगा। ओह तो आप अभी तक अच्छे नहीं हुए? जी हाँ मैं अब ठीक हो गया। आप न जाने क्या समझी होंगी, मैं नहीं जानता था आपको मेरा इतना ख्याल है। अच्छा आपको मेरी चिट्ठियाँ पसंद आई? जी बहुत। क्यों ये तो मैंने आपको लिखा भी था। जी हाँ लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। हाँ कुछ याद है मैंने आपको कुल कितनी चिट्ठियाँ लिखी थी? जी याद तो नहीं, उतनी होंगी जितनी मैंने लिखी थी। जितनी आपने लिखी थी? मेरी चिट्ठियाँ पढ़कर आपको हंसी तो जरूर आती होगी, मैं आपकी तरह तो लिख नहीं सकती। नहीं नहीं आपकी चिट्ठियाँ तो बहुत दिलचस्प हुआ करती थी। सच?
और मेरे गाने? आपके गाने क्या कहने हैं उनके, वो तो मैं हरदम गुनगुनाता रहता हूँ। मैं भी आपके गाने गुनगुनाती हूँ, खास करके वो झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। ओ, वो गाना झूले के साथ मेरा मन झूला झूले? जी नहीं, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। वाह, आप अपना लिखा हुआ गाना इतनी जल्दी भूल गए? जी कुछ याद नहीं रहा। हाँ, मुझे आप वो चिट्ठी बता सकती हैं जिसे मैंने ये गाना लिखा है? क्यों, क्या कीजिएगा? मैं ये गाना उतारना चाहता हूँ, भूल गया हूँ ना। लेकिन आप चिट्ठी वापस तो कर देंगे? हाँ जरूर। अच्छा, ओह आपकी गाड़ी आ गई, चलिए आपको घुमा लाऊं। जी नहीं, अब मैं घर जाऊंगी। अच्छा हाँ सुनिए, कल मेरे यहाँ नाच है, जरूर आइएगा। जी अगर बाबूजी आए तो मैं आ सकूंगी। हाँ मैं उनको बुलाऊंगा, तो आप कल नाच मेरी चिट्ठी लेके आइएगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। अरे मैंने कल ही तो दिल्ली में इसके बाप का कर्जा चुकाया रे, है बाबूजी इसके बाप का कर्जा चुकाया रे, है बाबूजी मेरे बाप का नाम ले ना झूठो के पता मम्मा कान पकड़ कर दूंगी काली में सजा, देखो देखो जी देखो देखो जी हजार मुझे रोना बेटा बोला मेरा भी किस्सा सवारा रे, गरीबियाँ आवा सारी बात भूल जाओ, गरीबियाँ आवा सारी बात भूल जाओ, खोलो मेरी कसम हाँ तेरी कसम, तेरे भाई की कसम, तेरी अम्मा की कसम, तेरे बाप की कसम, आज मौसम सलोना आया रे है बाबूजी, आज मौसम सलोना आया रे है बाबूजी। चमके चमाचम मेरे सपने, चमके चमाचम मेरे सपने, जैसे जाने सोना रे आज मौसम सलोना सलोना रे, आ सलोना रे दिन सलोना रित सलोनी मौसम सलोना रे।
दोस्त, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। जी हाँ भाई, ने चंद ही रोज में इस पर भी अपना सिक्का जमा लिया। बेचारी समझती होगी इन्हें सचमुच से प्रेम है, तब तो जल्दी काबू में आ जाएगी, है ना? हाँ, लेकिन इतनी भोली है और मुझ पर इतना एतबार करती है कि इसे धोखा देने को जी नहीं चाहता। ये बात है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं है। नरगिस, ये गाना तो बहुत अच्छा गाया आज, मौसम सलोना सलोना रे। सच, तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत। लेकिन ये गाना तुमने सीखा किससे? सतीश बाबू से। सतीश बाबू से? सच कह रही हो? हाँ हाँ, तुम मेरा एक बार नहीं करती हो तो रहमान से पूछ लो। नहीं नहीं, लेकिन सतीश बाबू को ये गाना कहाँ से मिला? तुम शायद जानती नहीं, एक लड़की मुझे चिट्ठियाँ लिखती है, उसी ने लिखकर भेजा था। रमेश बाबू, रमेश बाबू, सुनिए। आप मुझे बुला रही हैं? जी हाँ। ओह, कहिए, आप बहुत परेशान मालूम होती हैं, तबीयत तो ठीक है? हाँ, इस भीड़ में मेरा कुछ जी घबरा रहा है। ओह, तो उधर खुली हवा में चलिए ना। चलिए। आपने मुझे अभी रमेश नाम से पुकारा था? जी हाँ, क्यों, आपका नाम रमेश नहीं है? नहीं तो? ओह, क्यों, कैसे ख्याल हुआ आपको मेरा नाम रमेश है? जी, मैंने अभी वहाँ किसी को इसी नाम से पुकारते सुना था। ओह, आपने सुनने में भूल की, मेरा नाम तो महेश है। महेश? जी। ओ, सतीश भैया कहाँ चले? तेरा गाड़ी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ मिठाई बना के लाई हूँ। इतनी मिठाई मैं अकेले कैसे खाऊंगा? लो, ऐसी कौन सी बहुत सी है, दूर भी तो जाना है। अच्छी बात है, मैं आकर ले लूंगा। Thank you.
दीदी। आई भैया। अभी मेरे यहाँ कोई आया था। क्यों, क्या हुआ? चोरी हो गई। चोरी? क्या? कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीजें थी। ओ, और तो किसी को नहीं देखा सिवाय 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 गीता से। गीता ही थी? अच्छा, लेकिन सुनो तो, तुम ये समझते हो गीता ने चोरी की? हाँ, नहीं नहीं, लेकिन गीता बेचारी कहीं चोरी करने लगी? उसके हाथ में बस कुछ कागज थे। कुछ कागज थे ना? हाँ। तो क्या वो ही चोरी होगा? नहीं नहीं, शायद घर में होंगे, मैं भी देखता हूँ। अरे इसे तो लेते जा। तुम ठहरो ना भैया। नमस्ते। नमस्ते। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? आप घर जा रही हैं ना? जी। आइए मैं आपको पहुंचा दूं। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। सुनिए तो, आप मुझसे नाराज नहीं होगी? क्यों, मैं क्यों नाराज होती? ये तो आप जानती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप तो मालूम है मेरे यहाँ चोरी हो गई। अच्छा जी हाँ, जरा सी देर में सारी पूंजी लूट गई। तो आप चोर को ढूंढिए ना। जी, चोर का पता तो चल गया। ओ, तो आप उसको थाने में ले जाइए। अच्छी बात है, आप जरा गाड़ी में बैठ जाइए। मैं? जी हाँ, आपको घर पहुंचाकर थाने में खबर कर दूंगा। चलिए। बात बताओ हमें गोरी, कहो किसने सिखाई तुम्हें चोरी? ओ गोरी, किसने सिखाई तुम्हें चोरी? एक चोर से मेरा नाता, वो मेरी गली में आता। हाँ, उसने सिखाई हमें चोरी। हाँ, उसने सिखाई हमें चोरी। देखिए मेरी चिट्ठियाँ दे दीजिए, लाइए। देखो कह दूंगी, हाँ हाँ देखो कह दूंगी, तुम्हारे मन की बतिया। तुमने चोरी चोरी भेजे हमें पतिया, तुमने चोरी चोरी भेजे हमें पतिया। देखो कह दूंगी, हाँ हाँ देखो कह दूंगी, तुम्हारे मन की बतिया। चोरी पे सीना जोरी, हमसे करो ना गोरी। चोरी पे सीना जोरी, हमसे करो ना गोरी। दे दो हमारी हमको पतिया। देखो कह दूंगी, दे दो हमारी हमको पतिया। देखो कह दूंगी, तुम्हारे मन की बतिया। बातें बनाना छोड़ो, चोरी छिपाना छोड़ो, हमारे गाने में देखो तुम कल से आना छोड़ो। हमारे गाने में देखो तुम कल से आना छोड़ो, वरना हंसेंगे हमारे सखियां। देखो कह दूंगी, हाँ देखो कह दूंगी, तुम्हारे मन की गतियां। मीठी मीठी बातों में हमको भुलाया तुमने, चंचल बनाया तुमने। मीठी मीठी बातों में हमको भुलाया तुमने, भोला सा मन हमारा चंचल बनाया तुमने। बड़ी रसीली है तुम्हारी अखियां। देखो कह दूंगी, हाँ हाँ देखो कह दूंगी, तुम्हारे मन की बतिया। छोड़ो ये बातें गोरी, आओ आओ किशोरी, तुमने की हमसे चोरी, हमने की तुमसे चोरी। तुमने के हमसे चोरी, हमने के तुमसे चोरी। हाँ वो बसाले दिल की दुनिया। देखो कह दूंगी, हाँ वो बसाले दिल की दुनिया। देखो कह दूंगी, तुम्हारे मन की बतिया। देखो कह दूंगी, तुम्हारे मन की बतिया।
ना 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 जान किधर आज मेरे नाव चली रे चली रे चली रे मेरी नाव चली रे कोई कहे यहाँ चले कोई कहे वहाँ चले मन ने कहा पिया के गाँव चले रे पिया के गाँव चले रे चली रे चली रे मेरी नाव। ओह कमला दीदी ओहो आज तो हमारी गीता फूली नहीं समाती क्या बात है। कुछ नहीं दे दो मेरी चीज। तेरी ये सतीश बाबू की। सतीश बाबू की क्यों होने लगी ये तो मेरी है दे दो। तभी कल रात चुरा के भागी थी चोटती कहीं की। मैं क्यों चुराती बड़ी भोली बता इसमें क्या है। पहले तुम लौटा दो। नहीं बताएगी। बता तो रही हूँ मैंने कहा ना। देखो दीदी दे दो बड़ी अच्छी दीदी। देती हूँ क्या बड़ी से तुम। अच्छा कमला दीदी मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ लौटा दो मेरी चीज। जल्दी बता नहीं तो मैं देखती हूँ। नहीं नहीं दीदी ऐसे ही कुछ कागज हैं। कैसे कागज बड़े जतन से रखे हैं तो फिर मैं देखती हूँ। कह तो रही हूँ चिट्ठियाँ हैं। किसकी। मेरी। तो फिर सतीश बाबू के पास कैसे पहुँची। मैंने लिखी थी। ओहो तो आप सतीश बाबू को चिट्ठियाँ लिखा करती थी और हमें बताया भी नहीं। मैं ही कौन जानती थी। फिर झूठ। नहीं नहीं दीदी सच मुझे भी कल ही पता चला। अच्छा सतीश बाबू को इतनी चिट्ठियाँ लिखी और तुझे पता ही ना था। अरे बात तो जवाब क्यों नहीं देती। कह तो रही हूँ क्या। यही के कुछ तो नहीं दीदी। एक चतुर नार कर श्रृंगार। एक चतुर नार कर श्रृंगार धारे अपने द्वार किया निक सुजात। एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो अति चतुर नार कर श्रृंगार। एक चंद्र किरण चंदा सिबरन मैं तो आया हूँ सनद तेरे नेक नजर। एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर नार कर श्रृंगार। एक चतुर नार कर श्रृंगार। चतुर नार कर श्रृंगार। चतुर नार कर श्रृंगार थारे अपने द्वार चिया निक सुजात। एक बार हंस मोरा मन लीनो चतुर नार कर श्रृंगार। एक चंद्र जबन चंदा सिबन मैं तो आया हूँ सनद कर निक नजर। पलक मार हंस मोरा मन लीनो चतुर नार कर श्रृंगार। चतुर नार कर श्रृंगार थारे अपने द्वार चिया निक सुजात। पलक मार हंस मोरा मन लीनो चतुर नार कर सब कुछ तो बता दिया अब दे दो मेरी चिट्ठियाँ। क्यों सतीश बाबू को लौटाने की इतनी जल्दी पड़ गई। हाँ अरे तुम तो नाहक तंग करती हो। देखो हम रो देंगे। नहीं मेरी नन्नी ये ले छोड़ो। ठहर तो शांति चाहती जाके एक एक बात कहती हो। नहीं नहीं दीदी किसी से न कहना बड़ी अच्छी हो तुम। चल लगे खुशामद करने बड़ी नटखट है तू। ला तेरे बालों में ये फूल लगा दो। अच्छा दीदी एक बात बताओगी। क्या तुम्हें कैसे लगते हैं सतीश बाबू। मुझे बड़े अच्छे। वो इतने सुंदर इतने सज्जन है उन्हें कौन ना चाहेगा। ओहो बड़े गुण गा रही हो। क्या तुम भी उनसे प्रेम करती हो। हाँ करती तो हूँ लेकिन मेरे तेरे प्रेम में बड़ा फर्क है। डर मत मैं उन्हें तुझसे नछी दूंगी। छिंदी लोगी तो क्या चल पगली कहीं की। हारी
उतरे फोटोग्राफर साहब कौन है? मुझे तो उन पर दया आती है, तुमने तो उन्हें देखा होगा, सोचो कौन है वो। मैं क्या जानू, मैंने कुछ ज्योतिष पढ़ा है। बताना कौन है? नए जमींदार साहब। नए जमींदार साहब कौन? महेश बाबू। हाँ, बड़े अच्छे आदमी हैं। फिर भी इन बड़े आदमियों से दूर ही रहना अच्छा बेटा। नमस्ते। नमस्ते। आज बड़े सवेरे पानी भरने जा रही हैं? हाँ, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। क्या अभी पानी भरने चली? नहीं तो, मैं तो महिला मंदिर जा रही हूँ। ओ, मेरी चिट्ठियां तो देती जाइए। आपकी और मेरी? मेरी दुनिया भर को दिखाती फिरती मेरी चिट्ठियां। मैं क्या करती, कमला दीदी ने जबरदस्ती छीन ली इसलिए। अरे, आपका फूल गिर गया। गीता, अरे सुनो तो, से जरूरी बात कहनी है। बैठिए। आपको अगर सब बात मालूम हो जाए, यानी आपको पता चल जाए कि मैं, अच्छा आपको रमेश नाम पसंद है ना? अगर मैं अपना नाम रमेश रखूं? अच्छा अच्छा, बिगड़ी मत, मैं जाता हूँ। सिर्फ एक बात और पूछनी है, आप फोटोग्राफर साहब को इसीलिए पसंद करती है ना कि वो अच्छी चिट्ठियां लिखते हैं? देखिए, कुछ कहने से पहले ही आप गुस्सा हो गई। देखिए सतीश बाबू, अब जाते हैं कि नहीं? मैंने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं अकेली रहना चाहती हूँ। क्या कीजिएगा आप इन चिट्ठियों को लेकर? वाह, यही तो मेरी पूंजी, शहर जाके इन्हीं से अपना दिल बहलाऊंगा। ओह, और हमें भूल जाइएगा? तो मैं तुम्हें भूल सकता हूँ गीता, तुम्हें चाहे भूल जाओ। जी मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना, मेरे चित्तचो मुझे मत भूलना, मेरे चित्तचो मुझे मत भूलना, मेरी आंखों में सदा झूलना, कहाँ कहाँ झूलना, मेरी आंखों में सदा झूलना, कहाँ कहाँ झूलना, मेरे चित्तचो मुझे मत भूलना। मेरा मन बादल है, मेरा मन मोर, मेरा मन चंचल, मैं प्रेम विभोर, हमारी बगिया में रोज बसंत सखी, हमारी बगिया में रोज बसंत सखी, खिले आशा के फूल चारों ओर, मेरे चित चो मुझे मत भूलना। घट घन घोर गिरि, घट घन घोर, घट घन घोर गिरि, घट घन घोर, कहीं कोयल करे शोर, कहीं कोयल करे शोर, मन मन में बोलते देना, मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना, मेरे चित को मुझे मत भूलना। तुम मेरे सागर हो, मैं हूँ हीरा, तुम मेरी चंदा हो, मैं हूँ चकोर, हमारे प्राणों में प्रेम की डोर बंधी, हमारे प्राणों में प्रेम की डोर, मेरे चित को मुझे मत भूलना, मेरी आंखों में सदा झूलना, कहाँ झूलना, मेरे चित को मुझे मत भूलना। कहो कमला, कहाँ रहती हो तुम? तो हमसे कभी मिलती ही नहीं। आपसे दूर ही रहना अच्छा है। क्यों क्यों, ऐसी क्या बुराई है मुझमें? आपको मुझसे इतनी शर्म नहीं आती?
एक तुम ही मुझे इतना बुरा समझती हो, वरना हर लड़की को तो मैंने अपनी तारीफ ही करते सुना है। दूर क्यों जाओ, इसी गांव में एक लड़की। मैं जानती हूँ कौन है वो लड़की। कौन? गीता। ठीक समझी, तुम क्या ज्योतिष जानती हो कमला? हाँ, लेकिन गीता आप तो फिल्म में फंसने वाली नहीं। अच्छा, अभी तक तो कोई ऐसी लड़की देखी नहीं जो मेरी नजर पे चल के मुझसे बच सकी हो। गीता मेरी होकर रहेगी। मैं कहती हूँ आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? एक भोली भाई लड़की का जीवन नष्ट करके आपको क्या मिल जाएगा? तुम भी तो भोली थी कमला, इसी भोलेपन पर तुम्हें मर मिटता हूँ। तो क्या आप गीता का भी वही हल करना चाहते हैं जो मेरा किया? कुछ कह नहीं सकता, मुमकिन गीता की किस्मत तुमसे अच्छी हो। बता सकती हो इस वक्त कहाँ होगी? मुझे नहीं मालूम। महिला मंदिर में ना। गीता देवी हैं? जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। पधारिए महर्षि विश्राम। शकुंतले, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं राजा कृष्ण का मुकुट और मुझे ठीक कर रही हूँ। गीता, तुझे जमींदार साहब मिलने आए हैं। अच्छा, अभी आई। आप कहाँ चले? जल्दी से मुनि विश्वामित्र का भेष छोड़कर राजा दुष्यंत बन जाइए। लीजिए, पहले उन्हीं का रिहर्सल होगा। तथा जैसी शकुंतला की इच्छा। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जी नहीं, मुझे अभी जाना है, एक बात कहनी थी आपसे, इसलिए चलाया। कहिए। आपके जलसे में टिकट ज्यादा बिके, इसलिए शहर से मैंने अपने बहुत से दोस्तों को बुलाया है। ओह, हमारे महिला मंदिर का आपको कितना ख्याल है। ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन मेरे दोस्त खामखा एक बात की जिद कर रहे हैं। किस बात की? कहते हैं नाटक देखने तभी आएंगे जब मैं भी कोई पाठ करूं। मुझे तो कोई ऐसा ज्यादा शौक नहीं, लेकिन दोस्तों की खातिर सोचता हूं कि। हाँ हाँ, तो आप काम कीजिए ना। एक साहब मुनि विश्वामित्र और राजा दुष्यंत दोनों का पाठ कर रहे हैं, उनमें से एक आप कर सकते हैं। शुक्रिया। शकुंतला कौन बन रही है? जी मैं। अच्छा, अगर आप ठीक समझें तो दुष्यंत का पाठ मैं कर लूं। ओह, लेकिन वो पाठ बहुत बड़ा है। तो क्या हुआ, आप सिखा दीजिए। मैं क्या सिखाऊंगी, आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन काम से फुर्सत मिलना जरा मुश्किल है। तो फिर कैसे कीजिएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब लोग मेरे मकान में रिहर्सल करें, मेरा अपना काम भी होता रहेगा और पाठ भी तैयार हो जाएगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आप गांव से बाहर इतनी दूर रहते हैं, वहाँ सब लड़कियाँ कैसे इकट्ठी हो सकेंगी? इसकी आप फिक्र न कीजिए, उन सबको मेरी कार ले आया करेगी। जी अच्छा, तो तय रहा, आज ही शाम से शुरू कर दीजिए, मैं आपको लेने आऊंगा। अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्ते। हे शकुंतले, राजा दुष्यंत तैयार। ओ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? अभी जमींदार साहब आए थे, राजा दुष्यंत का पाठ वो करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों ना चाहेंगे, मैं उनसे ना कह सकी। ठीक ही तो किया, वो बड़े आदमी हैं, राजा दुष्यंत का पाठ उन्हीं को सजेगा, हम पुराने भिखारी ठहरे, विश्वामित्री भले। देखिए आप बुरा मान गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सच? यहाँ बैठिए ना। जी यही ठीक है। जरा शाम कुंज की तरफ से चलिए, रास्ते में सतीश बाबू को लेना है। सतीश बाबू, ये कौन साहब है? जी आप उनको नहीं जानते, नाटक में उनका भी एक पार्ट है। कमला दीदी, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, जमींदार साहब के यहाँ, अब से वही रिहर्सल हुआ करेगी। जमींदार क्या रिहर्सल होगी? हाँ। ओ भैया, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आई हूँ। क्या दीदी? देखो जितनी जल्दी हो सके तुम गीता से ब्याह कर लो। ओ, ये बात है, तेरी जल्दी क्या है? नहीं भैया, ब्याह जल्दी ना हुआ तो मुझे डर है कहीं गीता पर कोई आफत ना आ जाए। आफत? आफत कैसी? तुम नहीं जानते, ये जमींदार बहुत बुरा आदमी है और गीता पर उसकी नजर है। क्या? नहीं नहीं, जहाँ तक मैंने सुना वो ऐसा आदमी नहीं। मेरी बात मानो, सचमुच गीता के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? तुम्हें पता नहीं, गीता से मेलजोल बढ़ाने के लिए वो कई चालें चल चुका है। पहले जब वो गांव में आया था तो फोटोग्राफर बनकर उसी ने गीता की तस्वीर ली थी। वो तो जमींदार साहब फोटोग्राफर है। हाँ, लेकिन गीता ने मुझे नहीं बताया। वो भूल गई होगी। भूल गई? तो और क्या किया जमींदार ने? आपके आते ही गीता को खुश करने के लिए महिला मंदिर को बहुत सा चंदा दिया,
और उसी दिन शाम को जब श्याम को उनके पास उससे मिला तो ऐसा बन गया जैसे उसी ने सब चिट्ठियां लिखी हैं। अच्छा, तो उस दिन गीता देवी जमींदार का इंतजार कर रही थी वहां, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ना वो भूल गई होगी, और उसे भी तो सब बातों कल रात ही पता चला। लेकिन पता चलने पर भी तो जमींदार को बहुत अच्छा आदमी समझती है, आज सुबह उनकी तारीफ हो रही थी। भैया वो तो सीधी सादी लड़की है, किसी से बिगाड़ना नहीं चाहती। अब यही देखो ना, चिट्ठियों का भेद खुलने पर भी उसने जमींदार से कुछ नहीं कहा, और कोई होती उसका मुंह ना देखती। ओ, इधर मुझसे सब बातें छुपाए रही, उधर जमींदार को भी कुछ ना बताया। ये क्या कहते हो भैया, तुम ऐसे ना समझ ना बनो, गीता ऐसी लड़की नहीं है, ना जाने तुम क्या समझ बैठे हो। मैं अभी आई। ये तुम क्या कह रहे हो, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ब्याह कर लो, इतने कठोर न बनो, तुम पीछे हटोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। क्या तुम लोग लड़कियों का दिल ठुकराना ही जानते हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं। तुम्हें कैसे लगते हैं सतीश बाबू? मुझे बड़े अच्छे, वो इतनी सुंदर इतनी सज्जन है, उन्हें कौन न चाहेगा। ओहो, बड़े गुनगा रही हो, क्या तुम भी उनसे प्रेम करती हो? हाँ करती तो हूँ, लेकिन मेरे तेरे प्रेम में बड़ा फर्क है। वो सामने है जी? नहीं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, चलिए। सुनो यार की बात, गीता भी बैठी थी, जा जो भैया तू उसकी मकान जा, मैं जाना वो दुष्ट। बड़े अच्छे भैया मेरे, मैं अभी शांति चाची से तुम्हारे ब्याह की बात करूंगी। गीता देवी कहाँ? बगीचे में, जमींदार सब ले गए हैं। बैठो, गीता भी नहीं लौटी, आती ही होगी। ये तेरे खाके तो देख कैसे बने हैं। गुलगुले क्या खिलाती चाची, गीता का ब्याह करो, अच्छी सी मिठाई खाने को मिले। वो भी मिल जाएगी, तेरी बात तो पक्की हो जाए। गीता की बात तो आज पक्की हो सकती है, जो तुम मानो। अच्छा, कोई लड़का है तेरी नजर में? हाँ चाची, अपने सतीश बाबू। क्या कहा, सतीश? अरे कहीं सर तो नहीं फिर गया तेरा, चिट्ठी रसा से अपनी गीता ब्याह दो। क्यों, क्या हुआ? उन जैसा नेक और सज्जन लड़का तो ढूंढने से न मिलेगा। यह भले ही कहो, लेकिन उसके पल्ले तो कुछ नहीं। मैं तो अपनी गीता का ब्याह ऐसे घर करूंगी जहाँ वो रानी बनकर रहे। तू किसी से न कहे तो बताओ। क्या, एक लड़का है मेरी नजरों में। अच्छा, कौन है वो? अपने नए जमींदार। कौन, महेश बाबू? हाँ, गीता को बहुत चाहते हैं। लेकिन चाची, वो अच्छे आदमी नहीं है। अच्छे आदमी नहीं, तुझे कैसे मालूम? मैंने बहुत लोगों से सुना है। लोगों की भली चलाई, जो मन में आया कहे बैठते हैं। तू ही बता क्या बुराई है उसमें, धन दौलत सूरत शक्ल सब कुछ था उसके पास, और फिर किस रही से बुराई नहीं होती। तुम कुछ भी कहो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ सतीश बाबू के साथ ही सुखी रहेगी। मेरी बात मानो चाची, मैं ठीक कहती हूँ, और कहीं गीता का ब्याह कर दिया तो उसका सारा जीवन रोते ही बीतेगा। कमला दीदी, मेरे ब्याह के लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे गीता सुन तो। देखा कमला तूने, गीता सियानी हो गई है ना, अपने भले बुरे को अच्छी तरह समझती है। मैं तो जानती हूँ महेश बाबू से ही उसकी मर्जी है। हाँ देख, किसी से कहियो मत, इस गांव में दो चार अपने दुश्मन भी हैं। अच्छा चाची। क्या कहा सतीश, अरे कहीं सर तो नहीं फिर गया तेरा, चिट्ठी रसा से अपनी गीता ब्याह दो। क्यों, क्या हुआ? उन जैसा नेक और सज्जन लड़का तो ढूंढने से न मिलेगा। मैं भले ही कहो, लेकिन उसके पल्ले तो कुछ नहीं।
मैं तो अपनी गीता का ब्याह ऐसे घर करूंगी जहां वो रानी बनकर रहे। तू किसी से न कहे तो बताओ। क्या? एक लड़का है मेरी नजरों में। अच्छा, कौन है वो? अपने नए जमींदार। कौन? महेश बाबू। हाँ, गीता को बहुत चाहते हैं। लेकिन चाची, वो अच्छे आदमी नहीं है। अच्छे आदमी नहीं? तुझे कैसे मालूम? मैंने बहुत लोगों से सुना है। लोगों की भली चलाई, जो मन में आया कहे बैठते हैं। तू ही बता क्या बुराई है उसमें? धन दौलत सूरत शक्ल सब कुछ था उसके पास, और फिर किस रही से बुराई नहीं होती? तुम कुछ भी कहो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ सतीश बाबू के साथ ही सुखी रहेगी। मेरी बात मानो चाची, मैं ठीक कहती हूँ। और कहीं गीता का ब्याह कर दिया तो उसका सारा जीवन रोते ही बीतेगा। कमला दीदी, मेरे ब्याह के लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे गीता सुन तो। देखा कमला तूने, गीता सियानी हो गई है ना, अपने भले बुरे को अच्छी तरह समझती है। मैं तो जानती हूँ महेश बाबू से ही उसकी मर्जी है। हाँ देख, किसी से कहियो मत, इस गांव में दो चार अपने दुश्मन भी हैं। अच्छा चाची। मैं सतीश। ओह, आ जाओ भैया। ये अंधेरा क्यों? बत्ती नहीं जलाई? जलाते हैं। मैं शांति चाचा के पास गई थी, वो तो जमींदार से आशा लगाए बैठी है। क्यों नहीं, जमींदार को छोड़कर मुझ जैसे गरीब और बेकार से क्यों शादी करने लगी? खैर, ये चिट्ठियां गीता देवी को लौटा देना, मैं आज ही रात को जा रहा हूँ। नहीं भैया, तुम गीता को इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। मुसीबत कैसी? तुमने देवी जी को पहचाना नहीं दीदी। बात क्या है, उधर गीता उल्टी सीधी बातें कर रही थी, इधर तुम, क्या हो गया तुम दोनों में? कुछ नहीं, मैं अंधा था लेकिन अब मेरी आंखें खुल गईं। साफ साफ बताना भैया क्या बात है। तुम्हारी गीता इतनी भोली नहीं जितना तुम समझती हो। अभी तक मेरे साथ प्रेम का ढोंग हो रहा था। नहीं नहीं, तुम इसे गलत समझे। गलत समझे? अगर अपनी आंखों से न देखा होता। क्या देखा? ये कि गीता देवी जमींदार साहब की गोद में सर रख के प्रेम कर रही थी। क्या? नहीं नहीं, गीता ऐसा नहीं कर सकती। भूल मेरी ही थी। खैर मैं जाता हूं, ये चिट्ठियां दे देना। हाँ भगवान। सुनी कहानी एक सफर है ये जिंदगानी, एक सफर है ये जिंदगानी। किसको पहले तू कहता है अपना, प्रेम की दुनिया का झूठा है सपना। किसको पहले तू कहता है अपना, प्रेम की दुनिया का झूठा है सपना। उनका फूलों से रिश्ता ही क्या, उनका फूलों से रिश्ता ही क्या, जिनकी किस्मत ही कांटों के बीच पली रे चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। कल की बातों को भूल मेरे मनुआ, प्रीत दुखों की मूल मेरे मनुआ। कल की बातों को भूल मेरे मनुआ, प्रीत दुखों की मूल मेरे मनुआ। सपने किसी के कभी होते न पूरे, रोज बनाओ फिर भी अधूरे, रोज बनाओ फिर भी अधूरे।
सपनों का बोझा उठाए दूर कहीं दूर मेरी नाव चली रे चली रे चली रे मेरी नाव चली रे मैं जान किधर आज मेरी नाव चली रे चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। नमस्ते। आइए आइए, कैसा आना हुआ? जी कल शाम मेरे यहाँ की दादी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनका मिजाज पूछने आया हूँ। रात भर बड़ी फिक्र रही। अच्छा, लेकिन मैं उसे चार पुड़िया दवा दे चुका हूँ। ओह, तब तो कोई फिक्र की बात नहीं। चलिए अंदर चलिए। गीता, अरे ओ गीता, किवाड़ खोल किवाड़, जमींदार साहब आए। अरे ये कैसी सूरत बना रखी तूने, जा जल्दी जा मुंह धो ले और देख कोई अच्छी सी साड़ी पहनी हो, वही लाल वाली ले। ये रही। नहीं मौसी, ये कौन बुरी है, लगी बात करने, जा जल्दी जा, वो आ गए। नमस्ते। आ बेटा, बड़े भाग जो तुम जैसे राजा हमारे यहाँ आए। ये आप क्या कह रही हैं, गीता देवी बच्ची है? कहाँ बेटा, कल रात से न जाने से क्या हो गया है। अच्छा हुआ तुम आ गए, जाके जरा देखो ना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से कुर्सी लिया। ओ नमस्ते गीता देवी। नमस्ते। देखा बेटा, एक दिन में फूल सा चेहरा कुमला गया। कहां मौसी, ठीक तुम? ठीक है तेरा सर, जरा आईना तो देख, इससे अपनी फिक्र ही नहीं। जी। अरे आपने क्यों तकलीफ की? नहीं नहीं बैठिए। जी मैं यही ठीक हूँ, आप ऐसी रखिए। बहुत अच्छा, बस बैठ गए। शहर जाना है कि नहीं, तैयारी कब करोगे? अरे हाँ माफ कीजिए, आज आप शहर जा रहे हैं? जी हाँ, एक सरकारी काम आ गया है। बेटा तुम गीता से बातें करो, मैं अभी आती। ये मैं कहती हूँ, बूढ़े हो गए, तुम्हें अकल किसने आएगी? क्यों क्या हुआ? वो गीता क्यों नहीं आए? अकेले में तुम्हें बातें तो कर लेने दो। तो तुमने कहा क्यों नहीं? चलो चलो। जी नहीं, उसे क्यों? जी मेरा जी नहीं लगा। क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? जरूर कुछ आप मुझसे छुपा रही हैं, मुझे न बताइएगा क्या बात है। आपकी कोई चीज खो गई है, किसी ने आपका दिल दुखाया है? किसी ने? किसी ने नहीं है बाबू, असल में मेरी तबीयत ठीक है। ओ तो ये कहिए ना, मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। आप नहीं जानती आपको परेशान देखकर मेरे दिल का क्या हाल होता है, मैं कैसे बताऊं आपके लिए मेरे दिल में कितनी। महेश बाबू, मुझसे ऐसी बातें न कीजिए। आप शर्माती हैं। खैर वो दिन दूर नहीं जब मैं आपसे ये सब बातें कह सकूंगा। क्या मतलब? गीता, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे अपना घर, जमींदारी कुछ भी अच्छी नहीं लगती। महेश बाबू, अरे तुम जाओ नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। किसकी चिट्ठी है? देखो। नहीं दीदी की है, उन्हें को दूंगा। अरे देखने तो दे मुझे। नहीं लो दीदी। किसका खत है? सतीश बाबू का। सतीश का क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। श्रीमती गीता देवी नमस्ते, आप जो नाटक खेल रही थी उसमें अब मैं हिस्सा न ले सकूंगा। मैं आज रात को शहर जा रहा हूँ, मुझे आशा है कि मेरा पार्ट करने के लिए आपको कोई दूसरा जरूर मिल जाएगा। सतीश ये साहब यहाँ क्या करते थे? हमारे यहाँ पोस्टमैन का काम करते थे। ओ। लो बेटा ये मिठाई खा के तो देखो कैसी बनी है, गीता ने बनाई है। अच्छा गीता, तू जरा पान बना ला। मिठाई तो बहुत अच्छी बनी। सच बेटा, क्या कहूँ, बड़ी होशियार लड़की है, गुण तो ऐसे हैं कि किसी बड़े घर की बहू बने। जी हाँ, लेकिन भगवान जाने उसके भाग में कैसा लड़का बदा है,
सच कहती हूँ बेटा, इसी चिंता में रातों नींद नहीं आती। अरे तुम बेकार परेशान होती हो, मैंने कह दिया आपकी गीता रानी बनेगी, तुम तो सब सोचे बैठे हो। ऐसा कौन राजा जो तुम्हारी गीता को बहा ले जाए? क्यों, मैंने तुमसे कहा ना था, भूल गई? चुप रहो। तो क्या कोई लड़का ठीक किया है आपने? नहीं बेटा, ये तो यही बकते रहते हैं, इनकी भली चलाई। एक दिन आकर कहने लगे, तुम गीता को बहुत पसंद करते हो, शायद ब्याह करने पर राजी हो जाओ। अब भला कहां तुम जैसे राजा और कहां हमारी गीता। वाह, ये आप क्या कर रही हैं? सच पूछिए तो मैं आज यही बात कहने के लिए आया था आपसे। सुना तुमने मैंने क्या कहा था? हाँ हाँ, जुग जुग जियो बेटा, तुमने मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। आज को जो गीता की माँ होती तो कितनी खुश होती बेचारी। अरे अरे रोती क्यों, सच से उनकी आत्मा आशीर्वाद देगी। और खाओ बेटा, मैंने तो तुम्हें बातों में लगा लिया। जी बहुत खा चुका, अब इजाजत दीजिए। अरे पान तो आ जाने दो। गीता, ओ गीता। बेटा मेरा विचार है, कोई अच्छा मुहूर्त निकल आए तो जल्दी से सगाई कर दूं। हाँ, जब आप कहें। मैं तो आज ही कर देती, लेकिन ये शहर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, दो ही दिन की तो बात है, जैसे वापस आऊं कर देना। हाँ, जैसा आप कहें, मैं तो हर तरह तैयार हूँ। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, जरा ठहरो मैं अभी पान लाई। अरे भैया चुपचाप बैठी है, पान कहाँ है? अजीब लड़की है। लो बेटा, ये तो अभी से तुम्हारे सामने आते शर्माने लगी। अच्छा नमस्ते। 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 जीते रहो बेटा। देखा तुमने कैसे मजे से मैंने सारी बातें पक्की कर ली। हाँ हाँ, तुम बहुत काबिल हो, तुमसे तो ज्यादा हूँ। बातों बातों में राह पर ले आई उसे, अब बस किसी तरह सगाई हो जाए। हाँ, मैं सोचता हूँ गीता को भी शहर लेता जाऊँ, वहीं उसके गहने कपड़े भी तैयार हो जाएंगे। कुछ भी हो, अब वो एक जमींदार की बहू बनने वाली है, सारी चीजें शहर से खरीदनी चाहिए। वाह क्या सोची है, कौन कहता है तुम्हें अकल नहीं। अब माना ना तुमने शांति, यहाँ तो भैया मेरा नाम अब भूल हो गई। अच्छा तो गीता को जल्दी से तैयार कर दो। ठीक है दिनेश, पोस्टमास्टर साहब आपको पढ़ाया, क्या गीता देवी जा रही है? जी हाँ, सोचा गीता को भी लेता जाओ, गहने कपड़े बनवाने हैं ना। ओ, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं भी चलता। बाबू जी गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी कीजिए ना। हाँ सुनिए, आप मेरे यहाँ ठहरिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं। ये मेरे मकान का। शुक्रिया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। कमरा बाबूजी का है, ये रेडियो। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे, बार बार तेरी सुबह आवे फिर वहाँ अजन जलावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। चुपके चुपके दिल रोता है, मेरा प्यार थका सोता है। चुपके चुपके दिल रोता है, मेरा प्यार थका सोता है। दूर किसी झुरमुट में कोयल शोर मचावे, तेरी याद सतावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। तुमने हंस कर हमें रुलाया, मेरी पूजा को झुकराया, फिर भी क्यों तस्वीर तुम्हारी हमको तरसावे, मेरे पिछले हुए साथी तेरी याद सतावे। मेरे गम को कोई
क्या जाने, दिल की पीड़ा को दिल पहचाने, दिल की पीड़ा को दिल पहचाने। तुम तो हमसे दूर बसे हो, तुम तो हमसे दूर बसे हो, आंसू कौन सुखावे मेरे, आंसू कौन सुखावे मेरे, बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे मेरे, बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। की विद्या गाना सुन के बोलो बोलो, आप हाँ एक जरूरी काम से चला आया। पोस्टमास्टर साहब कहाँ हैं? वो तो दफ्तर गए हैं। कुछ उदास नजर आ रही हो। नहीं तो। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? जी नहीं, तकलीफ किस बात की? मेरा ख्याल था मुझे देख के तुम खुश होगी, लेकिन जी खुश तो हूँ लेकिन खुशी नजर तो नहीं आती। बताओ ना क्या बात है? कोई बात नहीं। महेश बाबू, ये तस्वीर क्या आपके पिताजी की है? हाँ, और इस तस्वीर को तो तुम पहचानती ही हो। जी, और ये रमेश है। आपके भाई है? नहीं, दरअसल बाबूजी ने इसे पाला था। वो अब यहाँ नहीं रहते? नहीं, बाबूजी के मरने के बाद मुझसे झगड़ कर कहीं चला गया। मैं गया। आगे सगाई है, देखो हम राजा की आगे सगाई है, बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है, बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है, देखो हम राजा की आगे सगाई है। ऊंचिया दरिया पे नौबत बारे, ऊंचिया दरिया पे नौबत बारे, अंगना में शहनाई है, देखो हमने राजा, हाँ हमने राजा की आज सजाई है। प्यारे प्यारे राजा है, प्यारी प्यारी रानी, प्यारे प्यारे राजा है, प्यारी प्यारी रानी, जैसे गंगा में जमुना का पानी, जैसे गंगा में जमुना का पानी, भाई तुम ये जोड़ी मिलाई है, देखो हमने राजा, कहा हमने राजा की आज सजाई है। दुनिया के लोगों से बिल्कुल निराले, लेकिन जोरू से इनकी, भाई जोरू से इनकी लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज लड़ाई है। बैठे हुए हैं यहाँ कुछ कुंवारे, हाँ बैठे हुए हैं यहाँ कुछ कुंवारे, रोनी सी सूरत बना के बिचारे, सबके मन में, इन सबके मन में क्या है? लुगाई है, लुगाई है, लुगाई है, देखो हमने राजा, हाँ हमने राजा की आज लगाई है। राजा जी हमको भूल न जाइयो, राजा जी हमको भूल न जाइयो, विधवा जो होवे तो, लल्ला जो होवे तो,
मुन्ना जो हो गए तो हमको बुलाइया, हमको बुलाइया, बड़ी बड़ी लाजा लगाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज लगाई है। खड़ी क्यों हो कमला दीदी, आओ ना। इतनी उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी सहेली की सगाई इतने बड़े जमींदार से हो रही है, कुछ बोलो ना। चुप क्यों हो, कम से कम आशीर्वाद तो दो मुझे। गीता, तुम मेरी बहन की तरह एक बात पूछ सकती हूँ क्या? तू अगर महेश बाबू को चाहती थी तो सतीश बाबू से क्यों प्रेम का ढोंग किया? मैंने प्रेम का ढोंग किया? हाँ, उस बेचारे को धोखे में रखने की क्या जरूरत थी? इतने धोखे की क्या बात है, कहां इतने बड़े जमींदार और कहां तुम्हारे सतीश बाबू। ओह, ये क्या मेरी सगाई की भेंट लाई हो? हाँ, सतीश बाबू दे गए थे। मेरी चिट्ठी हंसती है? क्यों ना हंसू, तुमने ये जला क्यों ना दिया? मैं क्यों जलाती, इधर सतीश बाबू को प्रेम पत्र लिखती रही, उधर महेश बाबू से क्या प्रेम करती थी। दीदी, हाँ, सतीश बाबू ने अपनी आंखों से देखा कि तू रहसल के बहाने बागीचे में महेश बाबू गोद में सर रखकर प्रेम कर रही थी। ओह, जाके कह दो अपने सतीश बाबू से मैं प्रेम नहीं कर रही थी, तुम दोनों के प्रेम का नाटक देखकर मैं वहां जाके बेहोश हो गई थी, मुझे रोते ले चलिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी तो मुझसे क्यों न कहा? मैं सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी, क्या बक रही है पगली, छोड़ो मुझे, तेरा सर तो नहीं फिर गया? सतीश बाबू मेरे भाई समान है, तभी अभी मुझसे भीख मांग रही थी, ब्याह कर लो, इतने कठोर न बनो, तुम पीछे हटोगे तो एक जीवन नष्ट हो जाएगा। हाय भगवान, ये तू क्या समझ बैठी, मैं तो तेरे ब्याह के लिए कह रही थी। मेरे ब्याह के लिए तुम्हें कहने की ऐसी क्या पड़ गई थी? तुझे महेश बाबू से बचाने के लिए, मैं जानती तेरे ऊपर दुष्ट की नजर है। ये किसी और को समझाना दीदी, महेश बाबू को बुरा कहती हो, वो तुम लोगों से अच्छे हैं, किसी को धोखा तो न देंगे। महेश बाबू कैसे आदमी है मैं ही जानती हूँ। क्या जानती हूँ, अब कहती क्यों नहीं, तुझे कैसे बताऊं गीता, ये मैं नहीं कह सकती, मेरा विश्वास कर, मैं तुझसे विश्वास कर, बस रहने दो दीदी, अपने आप को बचाने के लिए महेश बाबू को क्यों फजूल बदनाम करती हो? तुमने जो चाहा वो हो तो गया। गीता, तू क्या मेरा विश्वास न करेगी? तो सुन मुझे भागन की कहानी, शायद तुझे विश्वास हो जाए। मैं विधवा नहीं हूँ, विधवा बनी हूँ, मैंने जिससे प्रेम किया उसने मुझे ठुकरा दिया, मुझसे ब्याह नहीं किया, मेरा जीवन खराब कर दिया, और मेरी तरह तेरा जीवन भी खराब ना करे, मैंने इसकी कोशिश की थी, लेकिन ऐसी अभागिन हूँ कुछ ना कर सकी। कौन है वो? महेश बाबू। दीदी। हाँ बहन, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, तुझे भी मैं बताना चाहती थी, अब तो मेरा विश्वास करेगी कि दीदी मुझे माफ करो। नहीं नहीं गीता, जो भाग में बदा था हुआ, दुख तो इस बात का है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने में बड़ी भूल की। ये मत बहन, मैं जाती हूँ, मुझसे तेरा बलिदान न देखा जाएगा। दीदी, तो कोषमास्टर साहब, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को जल्दी ले आइए, अभी लाए।
अरे नन्नू जा अपनी माँ से कह जल्दी से गीता को ले आ। मैं चिट्ठी छोड़ने जा रहा हूँ। अरे चल जा पहले कह दिया। देखो माँ। अरे तुम यहाँ खड़ी बातें कर रही हो, गीता को भी तैयार किया, वो तो कब की तैयार बैठी है। अरे तो भेज दो ना, मुहूर्त बीता जा रहा है। गीता, ओ गीता खोल जल्दी किवाड़ खोल। गीता ये किवाड़ क्यों बंद कर लिए अंदर से? पता नहीं चाची, अजीब लड़की है। गीता, ओ गीता किवाड़ खोल। खोलती क्यों नहीं? कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? हाँ गीता, ओ गीता जरा उधर से जाके तो देख। गीता, ओ गीता ये भी बंद है। चाची अंदर तो नहीं है। कहाँ गए? बाहर जाके तो देख, किसी दूसरे कमरे में ना हो। गीता, वो गीता कहाँ चली गई? अरे कहाँ है तू? कहीं मिली ये लड़की? गीता को कहीं देखा नहीं तो? क्यों, क्या हुआ? मिलती नहीं है, चले कहाँ चली गई? चली गई? क्या कोई और नहीं था उसके पास? कन्या दीदी थी तो उनसे पूछो, वो भी तो नहीं है। ओ क्या, दोनों चले गए? हार ला, अब क्या होगा? क्या हुआ, क्या बात है? सब चुप क्यों है, बताइए ना क्या बात है? गीता भाग गई। भाग गई? ओ कमला दीदी, कमला दीदी कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, खोलो। कमला दीदी? हाँ गीता, तू यहाँ? हाँ। भाग आई है? ये क्या किया गीता, बड़ी जगह आई हो। शांति चाची और पोस्ट मास्टर साहब दुनिया को इंजीनियर दिखा सकेंगे। चल मैं तुझे घर पहुंचाई देती हूँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं नहीं दीदी, मैं घर नहीं जाऊंगी, इससे तो अच्छा है तो मुझे पुणे में धकेल दो। ये क्या वक्त ही पगली? अच्छा तो चलिए मेरे साथ, मैं शांति चाची सारा हाल कहती हूँ, शायद वो मान जाए। नहीं नहीं दीदी, वो नहीं मानेंगी। नहीं मानेंगी? लेकिन तो इस घर में भी तो छुपी नहीं रह सकती, जमींदार को सबसे पहले मुझे पे शक होगा। तू उसे नहीं जानती गीता, कहीं उसे पता लग गया तो हम दोनों का सर्वनाश करके छोड़ेगा। ओह मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत में पड़ो दीदी, मुझे भागने का मर जाना ही अच्छा है। नहीं गीता ठहर, डरना मैं देखती हूँ। कौन? मैं हूँ रहमान। ओ गीता आइए। हाँ भैया, एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, तुम्हें कुछ करना ही होगा। क्यों, क्या बात है? जाओ गांव का कोना कोना छान मारो। जी सर। तुम लोग फौरन स्टेशन जाओ, देखो गीता गांव से बाहर नहीं जाने पाए। बहुत अच्छा। खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो, जाओ कहीं से ढूंढ के लाओ उसे। तुम लोग मेरी गाड़ी लेके कमला के यहाँ जाओ, उसे जरूर मालूम होगा गीता कहाँ है। और सुनो अगर उन्होंने बताया तो उसे मेरे पास ले आओ। बहुत अच्छा। रहमान भैया जल्दी करो जल्दी। तुम्हारी कसम कमला बहन, अभी मिनटों में पहुंचाता हूँ स्टेशन। अरे गीता सतीश बाबू का पता अच्छी तरह याद तो है ना? हाँ हाँ दीदी। और देख वहाँ पहुँचते ही चिट्ठी लिखना ना भूलना। नहीं नहीं दीदी घबराओ मत। ओह वो काली माता का फूल अपने पास रख ले, वो तेरी रक्षा करेंगे। जमींदार का आदमी कहीं स्टेशन में पहुंच गए हूँ। अरे हाँ पर तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं इन्हें अगले स्टेशन से गाड़ी पे बिठा दूंगा। हा? अरे नंदू ये तो उस वक्त किसकी चिट्ठी छोड़ने गया था? दीदी की। गीता की? हाँ। ओ अरे जरा चिट्ठी निकाल के तो देखो, शायद कुछ पता चले।
जाओ कहीं देखा नहीं तो यहां तो नहीं है चलो फिर कोई भी नहीं कहां गायब हो गई हो रही क्या है नीता देवी कहां है मुझे नहीं मालूम ठीक ठीक बताने तो अच्छा नहीं होगा तो दिया मैं नहीं जानती बोले क्या निकल जाओ यहां से बस बस सीधी तरह बताती है कि नहीं अरे ये ऐसे नहीं मानेगी ले चलो जमींदार साहब के पास चलो छोड़ो मैं खुद चलती हूं तो क्या गीता सतीश को चाहती थी हाँ तुमने जल्दी करके लड़की हाथ से खोदी मैंने खोदी महेश बाबू से ब्याह की बात तो तुम लेके आए थे हाँ हाँ लेकिन लड़की से पूछ तो लिया होता तुमने क्यों ना पूछ लिया लगे मुझे दोष देने मैं कुछ नहीं जानती लाओ मेरी लड़की ढूंढ ले अच्छा अच्छा मैं शहर जाता हूँ शहर हाँ सतीश के यहाँ सतीश के यहाँ अरे हाँ तो चिट्ठी में पढ़ा क्या मेरा सर इसमें कहाँ लिखा हुआ सतीश के यहाँ गई है कुछ अक्कल हो तो समझ जाए वो जरूर सतीश के यहाँ गई है जाओ जाओ तैयारी करो मैं अभी शहर जाता हूँ तुम लोग जाओ बैठो कमला अभी ऊपर न जाओ कमला जमींदार साहब गीता से बातें कर रहे हैं गीता से तो क्या गीता को पकड़ लिया हाँ हाय भगवान हटो ठहरो हाँ कमला अंदर जाने का हुक्म नहीं है ओ रहमान भैया कहाँ है रहमान वो तो नहीं मिला क्या वो भी गीता के साथ था हाँ ओ, शायद डर के कहीं भाग गया नहीं मुझे अंदर जान दीजिए न जानो गीता का क्या हाल करें नहीं कमला तुम जमींदार साहब का मिजाज नहीं जानती मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा ओ, तो आप उनको खबर करवा दीजिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ अच्छी बात है ए, जाके खबर कर दो हाँ कमला ये गीता भाग कर कहाँ जा रही थी शहर सतीश बाबू के पास ओ तो रहमान उसे शहर ले जा रहा था नहीं वो तो उसे अगले स्टेशन छोड़ने गए थे रहमान गीता को अगले स्टेशन छोड़ने गया है देखता हूँ कैसे जाती है भाग के तो क्या गीता ये नहीं है नहीं अभी आई जाती है हाय भगवान ये सब चाल थी ये मैंने क्या किया बड़ी चालाक बनती थी अब देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ बंद कर दो इसे चलिए तुम लोग गाड़ी लेकर अगले स्टेशन पर जाओ रहमान उसे पहुंचाने गया है और अगर वो वहां न मिले तो तुम लोग सीधे शहर जाकर स्टेशन पर उसका इंतजार करो गाड़ी से उतरते ही उसे पकड़कर यहां ले आओ बहुत अच्छा मत तिलक करो
टैक्सी। आजाद मंजिल के लिए क्रूड। चलिए, जमींदार साहब ने बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगी। चलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती उतार लो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सतीश, 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 पूछना साहब आप? हाँ, गीता आई है या? नहीं तो तू क्या हुआ? तुम्हारे लिए वो सगाई से भाग आई। मेरे लिए? ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, ये चिट्ठी पढ़ो ना, तुम्हारे नाम है। मैंने कितनी भूल की। बताओ क्या करें, कहां उसका पता चले? मैं एक बार वहीं गांव में। हाँ, फिर गीता को उन्होंने यहां पहुंचने से पहले पकड़ तो नहीं लिया? हो सकता है, मैंने उनके आदमियों को स्टेशन पर देखा था। ओ, मेरे साथ आइए। कमला दीदी, कमला दीदी, देखिए मुझे घर जाने दीजिए। मैंने कह दिया तुम नहीं जा सकती। क्या मुझे इस गांव में शांति से न रहने देंगे? लोगों को अगर मालूम हुआ कि मैं रात भर आपके घर में रही तो वो क्या कहेंगे? ये पहले क्यों नहीं सोचा? गीता को मुझसे बचाने चली थी, जब तक वो नहीं आती तुम्हें यहीं ठहरना होगा। ये देखो, तुम्हारी सहेली के स्वागत के लिए मैंने सब तैयारियां कर रखी है। इतनी देर हो गई, कहीं गीता उन लोगों के हाथ से बच तो नहीं गई? ईश्वर करे ऐसा ही हुआ हो। आ गए। देखिए, आप गीता से कुछ न कहिए, उसके कोई दोष नहीं। दोष है कि नहीं इसका मैं फैसला करता हूँ। आपको मेरी सौगंध, मैं आपके पाप पड़ते आप इसे माफ कर दीजिए। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, आपको मेरी बात मानना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए, छोड़िए। छोड़ दो। आइए गीता देवी, कब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ। ये लोग मुझे इस तरह पकड़ के यहाँ क्यों लाए हैं? अभी बताता हूँ, तुम लोग जाओ, दरवाजा बाहर से बंद कर दो। खोलो, खोलो। मुझे जाने दीजिए। जाने दीजिए? मैं जान सकता हूँ सगाई से भाग कर इस तरह मेरा अपमान क्यों किया? मैं आपसे बयान नहीं करना चाहती थी। ओहो, क्यों? सतीश पोस्टमैन के लिए मैं इतना बुरा हूँ? जी। ये बात है, मैंने बड़ी भूल की जो तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहा। मैं चाहता था दो दिन में तुम्हें अपने काबू में कर सकता था, तुमने मेरी शराफत का अच्छा बदला दिया। खैर, मैं तुम्हें वो सबक पढ़ाऊंगा कि तुम उम्र भर न भूलोगी। क्या मतलब? अभी मालूम हो जाएगा। छोड़ दीजिए मुझे। कितनी भी चिल्लाओ कोई नहीं आएगा। छोड़िए तो अच्छा होगा। ये मैं बहुत सुन चुका हूँ, कोई तुम पहली लड़की नहीं हो। मैं नहीं जानती कि आप इतने नीच हैं। अब तो जान गई। छोड़िए, छोड़िए। ये आप क्या कर रहे हैं? अंधेरा। वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। डरती हो? मेरे नजदीक ना आइए,
कौन रमेश जी? ए ठहरो, सुन लो, तुम यहाँ सब कैसे आए? गीता देवी कहाँ है? क्यों, तुम ये जानकर क्या करोगे? मैं पूछता हूँ गीता देवी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझसे छुपाते शर्म नहीं आते? भले घर की लड़की को सर बंद कर रखा है। चुप रहो रमेश, तुम इन बातों से मतलब? बहुत कुछ, जल्द बताओ वरना ठीक ना होगा। ओ, तो तुम उसे छुड़ाने आए हो, लेकिन तुम्हें इन बातों का पता कैसे चला? मुझे तुम्हारी हर बात का पता है, भला चाहते तो छोड़ दो गीता देवी को। छोड़ दो, मैं कहता हूँ तुम बीच में ना आओ रमेश, चले जाओ यहाँ से। मैं गीता देवी को लेकर जाऊंगा। उधर मत जाओ। तो वो इसी कमरे में? हटा। आप गीता, मुझे बचाइए। घबराओ नहीं गीता। रमेश तुम सीधी तरह चले जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? तुम नहीं मानोगे? आओ गीता। अच्छी बात है, पता कर बंद कर दो उसे। बहुत अच्छा हुजूर। उस कमरे से जाओ। जाती कहां हो? छोड़ दो महेश भैया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम इसे नहीं ले आ सकते। हटिए। मैं कहता हूं छोड़ो वरना अच्छा ना होगा। बदतमीज, तो तुम नहीं छोड़ोगे? ये तुमने क्या किया? मानो किसने कहा था? हाँ भगवान। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। तुम कहां चली? छोड़ दीजिए मुझे। देखता हूं मुझसे बचकर कैसे जाती हो। जाने दीजिए, वो बेहोश हो गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। ओहो, रमेश के लिए इतनी फिक्र क्यों? वो तुम्हारा कौन है? हट जाइए। नहीं, आपका दिल के पत्थर का है, उनके इतनी चोट लगी है और आप मुझे जाने नहीं देते। बात क्या है, रमेश तुम्हें इतनी दूर से बचाने आया, तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो, मालूम होता बहुत पुरानी मोहब्बत है। जी। अच्छा, लेकिन तुम तो सतीश को चाहती हो ना? जी हाँ, रमेश बाबू ही सतीश है। क्या मतलब, रमेश ही तुम्हारा सतीश है? जी। लेकिन रमेश ही इस गांव में पोस्टमैन का काम करता था? जी हाँ। तो तुम शहर इसी के पास भाग के जा रही थी? हाँ। सुनो, तुम सतीश चुड़ैल से प्रेम करती हो? मुझे जाने दीजिए। हुजूर, गांव के बहुत से लोग इकट्ठे होकर इधर आ रहे हैं, मालूम होता है उन्हें पता चल गया है। ओ, आप कहें तो गीता और कमला को यहां से निकाल कर ले जाएं। हाँ ले जाओ। सतीश बाबू, मैं हूँ गीता। जाने दो। कमला बाहर आओ। ईश्वर कैसा? गांव वाले तुम्हें छुड़ाने आए, अब तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकते। जानता था ये लोग तुमको यहाँ पकड़ कर लाए हैं। शर्म नहीं आती गांव के जमींदार होकर ऐसी हरकत करते हो? निकल जाओ यहाँ से। वहाँ क्या किनारे से? तुम भी क्यों आती हो कमला बहन? हट जाओ कमला। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। रहमान भैया, इनका कोई दोष नहीं। दोष नहीं? ये तुमको यहाँ जबरदस्ती पकड़ कर लाया और तुम कहती हो कि इनका दोष नहीं? मुझे कोई पकड़ कर नहीं लाया, मैं इनसे मिलने आई थी। इतनी रात को? हाँ। ये क्या कह रही हो कमला? ठीक कहती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी नहीं समझता था कमला बहन। बात क्या रहमान भैया, यहाँ तो कुछ और ही मामला मालूम होता है। आज कल खुल गई देवी जी की, बड़ी सती सावित्री बनती थी। ऐसी और को गांव से निकाल बाहर करो। चलो चलो, इसका मुंह भी ना देखना चाहिए। हाँ हाँ चलो। ये तुमने क्या किया कमला? तो क्या आपका खून होते देखती? पुलिस? अब क्या होगा? गीता कहाँ है? उस कमरे में।
महेश बाबू, मैं आपके मकान की तलाशी लेना चाहता हूँ। क्यों? पोस्टमास्टर साहब ने रिपोर्ट की है कि आप गीता देवी को जबरदस्ती पकड़ के अपने यहाँ ले आए। जी ठीक है, सुना आपने, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। आप जरा ठहरिए, गीता देवी कहाँ है? उस कमरे में। गीता, आप उठिए। नहीं, मैं समझ ठीक हूँ। महेश बाबू कहाँ? उस कमरे में। बाबूजी, गीता है, तू भागी क्यों? मुझसे क्यों होगा? पगली। अरे सतीश को क्या हुआ? इन लोगों ने सर पे लाठी मार दी। देखा था होगा जी आपने, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी महेश बाबू, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं। तो ये सब बातें सच हैं? जी। मालूम है आपने कितना बड़ा जुर्म किया है? मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। ये नहीं हो सकता दरोगा जी, महेश भैया को छोड़ दीजिए। मैं मजबूर हूँ। रमेश, मुझे बचाने की कोशिश न करो, जो कुछ मैंने किया उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। चलिए दरोगा जी। नहीं नहीं दरोगा जी, क्या कोई उपाय नहीं? जी नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए जरा ठहरिए। गीता, ये मेरे भाई है, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया, फिर भी गीता मेरी खातिर। दरोगा जी छोड़ दीजिए महेश बाबू को, ये निर्दोष है। ओह अच्छी बात है। महेश बाबू माफ कीजिए, मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। जी नहीं, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। अच्छा अब मैं चलता हूं। को मालूम नहीं है, कमला विधवा नहीं, मेरी स्त्री है। क्या कहा? कमला आपकी स्त्री है? जी सच है भैया? हाँ रमेश, ये बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। कमला बहन, मुझे माफ करना। मेहरबान भैया, मैं जानता ना था। हाँ कमला, कल हम काशी चलेंगे। क्यों काशी क्यों जा रहे? मैंने कहा पापा को वो पूरा करना है। मैं आपसे गीता और रमेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। इन लोगों के सामने नहीं, जरा बाहर आइए ना। ओ समझे, चलिए। सुन सतीश भैया, चिट्ठियां गीता को लिखते थे और हमें कुछ और ही बता रखा था। अगर तुम्हें सच बात बता देता कि यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुंचती। ओ वो बात है। अच्छा रहमान भैया, अब चलो, इन दोनों बहुत सी बातें करनी है। हाँ हाँ। कहते थे रमन भैया, तुम बिन नहीं आवत चैन। ओ तुम विश्वास नहीं होता? कैसे हो आप, तो शहर जाके मुझे भूल ही गए थे। नहीं गीता, मुझे माफ करो, मैं कहीं तुम्हें भूल सकता हूँ। जाइए। तुम माफ कर दिया? नहीं। मालूम है महेश भैया क्या कहने गए पोस्टमास्टर साहब से? क्या बताऊंगी तुम्हें? देखो कह दूंगी गीता।